हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम धीरज मोहन द्विवेदी एंड स्वागत है आपका फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलता है बिल्कुल फ्री ऑनलाइन एजुकेशन। ठीक है, चलें तो आज हम शुरू करेंगे आपकी क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के एग्जाम्पलर क्वेश्चन में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने खत्म किया था शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, है ना, और आज के वीडियो में हम देखेंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, और वाकई में आपको लॉन्ग क्वेश्चंस दिखेंगे, है ना। इसमें से कुछ एक दो क्वेश्चंस ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जो एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन हाँ आपके कॉन्सेप्ट के लिए ठीक है अच्छे क्वेश्चंस हैं वो, है ना। ठीक है, लेकिन एग्जाम में इतने बड़े बड़े सवाल नहीं आते हैं नॉर्मली, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए अच्छा है। चलो शुरू करते हैं अपन, यहां पर ध्यान देना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है, अप टू 25 आपका था शॉर्ट आंसर, है ना, ध्यान देना आप लोग। 26 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन 1959 ठीक है लाइटन एंड बॉन्डी सजेस्टेड दैट द एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स कुड बी एक्सप्लेन्ड इफ मैटर कैरीड अ नेट चार्ज। मतलब यूनिवर्स का जो एक्सपेंशन है ठीक है उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है कि उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है अगर अगर मैटर एक नेट चार्ज कैरी करे तो, है ना। अगर कोई मैटर नेट चार्ज कैरी कर रहा है ठीक है तो हम यूनिवर्स के एक्सपेंशन को लेके बात कर सकते हैं। ठीक है, चलो, मतलब यहां पर एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स की बात हो रही है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सपोज दैट द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एटम्स विथ अ नंबर डेंसिटी एन। ठीक है, अपन यहां पर मान लेते हैं कि जो आपका यूनिवर्स है वो हाइड्रोजन एटम से मिलके बना है, ठीक है कि नहीं है, जिसकी नंबर डेंसिटी है कैपिटल एन। मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, कैपिटल एन। यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कैपिटल एन है। ठीक, आओ, विच इज मेंटेन्ड अ कॉन्स्टेंट, लेट द चार्ज ऑन द प्रोटॉन बी ईपी इक्वल टू माइनस ऑफ वन प्लस वाई इंटू ई। प्रोटॉन का चार्ज उसने इतना बोल दिया, ठीक है, वेयर ई इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, वही जो ई की वैल्यू होती है, है ना। ठीक है, अब ध्यान देना आप लोग, यहां पर देखो हमें क्या निकालनी है, फाइंड द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ वाई सच दैट एक्सपेंशन मे स्टार्ट। ठीक है, मतलब एक्सपेंशन जस्ट स्टार्ट हो उस समय वाई की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो जब एक्सपेंशन जस्ट स्टार्ट होगी उस समय जो वाई होगा उसे हम कहेंगे क्रिटिकल वैल्यू। तो वो क्रिटिकल वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है, क्रिटिकल वैल्यू ऑफ वाई हमें निकालनी है, है ना, जब एक्सपेंशन जस्ट स्टार्ट होगा। ठीक है, पहले अपन इतना काम कर लेते हैं फिर हम आगे सवाल पढ़ेंगे। ठीक है, आओ देखो ध्यान से, देखना ध्यान से बेटा आप लोग, तुम पहले यह बताओ मुझे यार एक्सपेंशन यूनिवर्स का कब होगा। ठीक है, आप ये बताओ जो मैटर है उसका मास होगा, है ना, और उसका चार्ज भी है, मतलब यहां पर इलेक्ट्रिकल फोर्स भी होगा और यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगा। ठीक है, तो तुम जरा सोचो कि एक्सपेंशन कब पॉसिबल है, जब आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन ज्यादा हो जाए किससे, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से, है ना, तभी पॉसिबल है आपका एक्सपेंशन। तो पहले मैं निकालूंगा यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स और निकालूंगा फिर मैं यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, और फिर मैं उनको लेकर के यहां पर वाई की वैल्यू निकालने वाला हूं। तो पहले तो एक काम करते हैं, अपन निकालते हैं यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स निकालनी है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ हाइड्रोजन एटम, यह निकालना है मुझे, तो मुझे पहले हाइड्रोजन एटम का चार्ज निकालना पड़ेगा। ठीक है, आओ देखो ध्यान से, तो मेरी बात को सुनना, चार्ज ऑफ हाइड्रोजन एटम, चार्ज ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसको डिनोट करते हैं ई एच से कर लेते हैं, चलो ठीक है, चार्ज ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, ई एच बोल दिया मैंने। ठीक है, अब ध्यान देना, ये क्या होगा, चार्ज ऑफ प्रोटॉन That is minus of 1 plus y into e plus charge of electron that is e,
ये सॉल्व करोगे तो कितना आएगा भाई, माइनस ई और प्लस ई कैंसिल, माइनस वाई ई। अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड की तो सिर्फ वाई ई, मतलब यहां पर हाइड्रोजन एटम के ऊपर चार्ज कितना होगा, वाई ई होगा, मैग्नीट्यूड की बात करें अगर अपन। ठीक, चलो अब ध्यान देना यहां पर, तुम बताओ इलेक्ट्रिक फोर्स अगर निकालनी है हाइड्रोजन एटम के ऊपर, ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं यार, फोर्स ऑन, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स लिखना जरूरी है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम, ठीक है, ये क्या होगा आपका, देखो ध्यान से, तो एफ ई इज इक्वल टू, तुम बताओ इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है किसी चार्ज के ऊपर, दैट इज चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, चार्ज कितना है इसका, ई एच इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज ई, और ई एच हमारा क्या है, वाई ई, तो वाई ई इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको रखो संभाल के, ठीक है, निकालते हैं हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पहले, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है सरफेस ऑफ उस स्फेयर पे, स्फेयर के सरफेस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो इसके लिए मैं यूज करूंगा, ठीक है, मतलब किसी सरफेस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है ना, तो उसके लिए यूज करेंगे गॉसियन सरफेस का, मतलब यहां पर गॉस लॉ का इस्तेमाल करने वाला हूं मैं। तो आप बताओ क्या होता है गॉस लॉ, बाय गॉस लॉ ठीक है, ध्यान देना बस आप लोग, यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू एनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, है ना, और किसका एरिया लेंगे हम लोग, उस गॉसियन सरफेस का, ठीक है, और उसका रेडियस मैं मान लेता हूं कैपिटल आर, है ना, वो जो यूनिवर्स है उसका रेडियस क्या मान लेते हैं, कैपिटल आर, जिसका एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो आप बताओ ई इंटू एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होता है, फोर पाई, मैं उसको स्फेरिकल मान रहा हूं, फोर पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू एनक्लोज चार्ज, एनक्लोज चार्ज, चलो इसको क्यू मान लेते हैं अभी, फिर निकालते हैं एनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब देखो मुझे एनक्लोज चार्ज निकालना है, ठीक है, सुनना ध्यान से यहां पर, आप बताओ इसको भी दे दो, एक काम करो इक्वेशन नंबर टू दो, पहले मैं क्यू की वैल्यू निकालता हूं, ठीक है, ध्यान देना बस आप लोग यहां पर, तुम बताओ एनक्लोज चार्ज कितना चार्ज है उस यूनिवर्स में वो निकालना है मुझे, है ना, तो तुम बताओ उसके लिए मैं ये निकालूंगा ना कि उस यूनिवर्स में कितना हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अगर मिल गया उसको मैं हाइड्रोजन एटम के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पूरे यूनिवर्स का चार्ज मिल जाएगा मुझे, है कि नहीं, ठीक है। अब बताओ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालना है, तुम बताओ यूनिट वॉल्यूम का नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है, कैपिटल एन, नंबर डेंसिटी था ना कैपिटल एन, ठीक है, तो यूनिट वॉल्यूम का नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है, कैपिटल एन, तो पूरे वॉल्यूम का कितना होगा हाइड्रोजन एटम, तो आप बताओ 4/3 πr³ × n होगा ना, ये होगा आपका नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे चार्ज ऑफ हाइड्रोजन एटम से, दैट इज वाई ई, तो ये मिल जाएगा टोटल चार्ज ना यूनिवर्स का, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू एनक्लोज चार्ज, ठीक। तो ध्यान देना यहां पर, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, सिंप्लीफाई क्या करूं, बस आपको रीअरेंज ही करना चाहिए, तो 4/3 πn yE और आखिरी में लिख दो RQ, ठीक। चलो अब इस एनक्लोज चार्ज को तुम यहां पर पुट कर दो, है ना, चलो आओ देखते हैं यहां पर, तो हो जाएगा फ्रॉम 2 E into 4 πr² इज इक्वल टू एनक्लोज चार्ज, कितना एनक्लोज चार्ज है, 4/3 πn yE
फोर बाय थ्री पाई एन वाई ई आर क्यूब अपॉन में क्या है एप्सिलॉन नॉट, एक बार चेक कर लेते हैं, फोर बाय थ्री पाई एन वाई ई आर क्यूब, ठीक है। चलो अब ध्यान देना यहां पर, ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक आर बच गया, फोर पाई कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट क्या आया आपका, ई इज इक्वल टू यहां पर आएगा एन वाई ई आर अपॉन थ्री एप्सिलॉन नॉट, ना दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। नाउ तो अब बताओ फ्रॉम वन, फ्रॉम वन इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये देखो इलेक्ट्रिक फोर्स ई एच मतलब वाई ई इंटू ई, तो यहां पर ई की वैल्यू पुट करनी है अपन को, बस वाई ई एज इट इज और ई की वैल्यू ये एन वाई ई आर अपॉन थ्री एप्सिलॉन नॉट, ना ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी जरा बताना, यहां पर देखो इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू कितना आएगा एन वाई स्क्वायर ई स्क्वायर, ठीक है, इंटू आर अपॉन थ्री एप्सिलॉन नॉट, ठीक। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। नाउ अब मैं निकालने वाला हूं यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक। तो ये देखो ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन हाइड्रोजन एटम, ठीक। तो आप बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना अगर हाइड्रोजन एटम के ऊपर, तो उसको मैं एफ जी बोल देता हूं, ये होगा मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, और मास ऑफ हाइड्रोजन एटम मास ऑफ प्रोटॉन के ही बराबर माना जाता है, ठीक है। चलो इनटू स्मॉल जी, एफ इक्वल टू एम जी पता है ना आपको, लेकिन यहां पर स्मॉल जी को लिख सकते हैं ना जी इंटू एम बाय आर स्क्वायर, स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी एम बाय आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर हो जाएगा एम पी जी, ये जो मास है ये यूनिवर्स का मास है, ठीक है। तो यूनिवर्स का मास कैसे मिलेगा, मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और डेंसिटी क्या है, नंबर डेंसिटी क्या है आपका वहां पर एन, हा है ना। तो बताओ पूरे यूनिवर्स का मास निकालना है, मतलब जितना भी हाइड्रोजन एटम है, जितना भी आपका हाइड्रोजन एटम है उसका मास, तो कितना हाइड्रोजन एटम है यूनिवर्स में, तो आप बताओ वो होगा आपका फोर बाय थ्री पाई आर क्यूब, ठीक है, इंटू एन, ये होगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, और इंटू मास ऑफ प्रोटॉन करेंगे तो टोटल मास मिल जाएगा ना यूनिवर्स का, है ना। मुझे यूनिवर्स का मास निकालना है, मतलब पूरे हाइड्रोजन एटम का मास निकालना है, ठीक है। तो आप मैंने क्या किया यहां पर, पहले निकाला नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो पहले भी निकाल चुके हैं, वॉल्यूम इंटू एन, और इंटू कर दिया मैंने मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, दैट इज मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर, ठीक। नाउ अपॉन में क्या चल रहा है, आर स्क्वायर, ठीक है, तो ये आर स्क्वायर कैंसिल, एक आर बच गया। नाउ अब आप देखो एफ जी की वैल्यू कितनी आ रही है यहां पर, तो आपका हो गया फोर बाय थ्री पाई, ठीक है, यहां पर देखो एन है ना जी एम पी स्क्वायर, ठीक है, इंटू आर, ये होगा आपका फोर बाय थ्री पाई एन जी एम पी स्क्वायर, और ये आपका आर, ठीक। ये हो गया आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक। अब सुनो ध्यान से, अगर आपका एक्सपेंशन जस्ट स्टार्ट हो रहा है, देखो स्टार्ट कब हो जाएगा, जब आपका रिपल्सिव फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा हो जाएगा, है ना। लेकिन एकदम स्टार्ट में अगर हम बात करें
तो हम ये मान सकते हैं ना यार कि आपका इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स नियरली बराबर है। हाँ ठीक है, एक्सपेंशन जब होगा तब हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स बड़ा होगा ग्रेविटेशनल से, लेकिन एकदम बिगिनिंग में, एकदम स्टार्ट में हम दोनों को मोर ओवर सेम मान सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देना, फॉर एक्सपेंशन टू स्टार्ट, फॉर एक्सपेंशन टू स्टार्ट मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रिक फोर्स इज नियरली इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब देखो यहां पर ध्यान देना, जब मैंने दोनों को इक्वेट किया यहां पर जो y की वैल्यू होगी वो क्रिटिकल वैल्यू होगी ना। ठीक है, तो यहां पर मैं बोलूंगा हियर वी रिप्लेस y with yc, ठीक है, क्रिटिकल वैल्यू, क्लियर। चलो अब ध्यान देना आप लोग यहां पर, ठीक, अब ध्यान दें यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू कितनी है, देखो ध्यान से, एन वाई स्क्वायर ई स्क्वायर आर बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट, एन वाई स्क्वायर ई स्क्वायर आर बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, फोर बाय थ्री पाई एन जी एम पी स्क्वायर इंटू आर, एक बार चेक कर लेते हैं, 4 बाय थ्री पाई एन जी एम पी स्क्वायर आर, ठीक है। चलो यहां पर r से r कैंसिल, अच्छा इस y को हमने क्रिटिकल वैल्यू बोल दिया ना yc, ठीक है, अब ध्यान देना यहां पर ये n भी कैंसिल, ठीक है, अब आपका ये 3 भी कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं, ठीक है। तो ये देखो yc स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, 4 पाई जी एम पी स्क्वायर अपॉन क्या होगा यहां पर, इनटू में एप्सिलॉन नॉट और ये अपॉन में ई स्क्वायर, ठीक है। चलो अब ध्यान देना आप लोग यहां पर, इधर देखना ध्यान से, एक बार ये चेक करना ई स्क्वायर है क्या, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहां पर, जब आप ये सारी वैल्यू पुट करेंगे, जी की वैल्यू पुट करेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करेंगे, ई की वैल्यू पुट करेंगे, जब सारा कैलकुलेशन कर लोगे तो जो वाई की वैल्यू आएगी वाई सी वो नियरली आएगी 8 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ठीक है, ये होगी क्रिटिकल वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है। तो यहां पर कैलकुलेशन बहुत लेंदी है, तो मैंने आपसे कहा कि बेटा ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल आपके एग्जाम में नहीं आ सकता है, है ना, बस ये ठीक है डीप थिंकिंग के लिए ये क्वेश्चन है ना, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जनरली आपके एग्जाम में नहीं आते हैं, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं यहां पर सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है वो, देखो ध्यान से सेकंड पार्ट, शो दैट द वेलोसिटी ऑफ एक्सपेंशन इज प्रपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, मतलब जो एक्सपेंशन की वेलोसिटी है ना, ठीक है, वो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऐसा प्रूव करना है। तो बेटा ये बताओ कि सेंटर से डिस्टेंस का मतलब रेडियस की बात कर रहा है वो, मतलब यहां पर ये प्रूव करना है कि वेलोसिटी ऑफ एक्सपेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। चलो प्रूव करते हैं अपन यहां पर, आओ देखो ध्यान से, देखो तुम ये बताओ जब एक्सपेंशन हो गया है, मतलब जब एक्सपेंशन चल रहा है, तो इस समय तो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा होगा ना ग्रेविटेशनल फोर्स से, ठीक है। तो आप बताओ नेट फोर्स, ये अपन बात कर रहे हैं सेकंड वाले की बात कर रहे हैं, सेकंड वाला क्या है बी ना, बी वाले की बात कर रहे हैं, तो यहां देखो नेट फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स माइनस ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक। चलो
अब बताओ नेट फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम मतलब एमपी, ठीक है, इंटू डी स्क्वायर आर बाय डीटी स्क्वायर लिख सकते हैं ना, डी स्क्वायर बाय आर इंटू डीटी स्क्वायर, सॉरी डी स्क्वायर आर बाय डीटी स्क्वायर, है ना, डबल डेरिवेटिव को हम कहते हैं ना एक्सेलरेशन, तो मास इंटू एक्सेलरेशन इज नेट फोर्स, ठीक है। आप बताओ यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, देख लेते हैं भाई, इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू कितनी है, एन वाई ई स्क्वायर, एन वाई स्क्वायर ई स्क्वायर आर बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट, एन वाई स्क्वायर ई स्क्वायर, ठीक है, आर बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, एन वाई स्क्वायर ई स्क्वायर आर बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, माइनस ये होगा आपका फोर बाय थ्री पाय एन जी एम पी स्क्वायर आर, ये होगा ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है। तो ये देखो माइनस फोर बाय थ्री पाई एन जी एम पी स्क्वायर इंटू आर, ठीक। चलो अब ध्यान देना, यहां पर आप आर कॉमन लो, ठीक है, तो क्या आएगा, एन वाई स्क्वायर ई स्क्वायर बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट माइनस फोर बाय थ्री पाई एन जी एम पी स्क्वायर, ठीक। अब देखो जब एक्सपेंशन चल रहा है तो ये जो आर है वो वेरिएबल होगा, लेकिन अंदर की जो सारी चीजें हैं ना, ये सब क्या है, कांस्टेंट है, तो हमने इसको एक कांस्टेंट क्या मान लिया, अल्फा मान लिया, तो इसको मैंने मान लिया अल्फा इंटू आर, ठीक। यहां पर इसकी वैल्यू कितनी मान ली मैंने, अल्फा, ये हमारा क्या है, अल्फा, ठीक। चलो अब ध्यान देना, लेफ्ट में चल रहा है आपका एमपी स्क्वायर, सॉरी एमपी इंटू डी स्क्वायर आर बाय डी डी स्क्वायर, ठीक है। नाउ अब ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, तो इसका जो सोल्यूशन है वो आपको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है, सोल्यूशन ऑफ दिस अबव इक्वेशन, ये होगा आपका, ये होगा आपका आर इज इक्वल टू ए इंटू ई की पावर अल्फा टी प्लस बी इंटू ई की पावर माइनस अल्फा टी, है ना। इस फॉर्मेट में आपका इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। अब क्योंकि हम एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, तो एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, तो यहां पर ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो अगर ये टर्म एग्जिस्ट करेगा तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, वन अपॉन ई की पावर अल्फा टी, है कि नहीं। मतलब अगर टाइम बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, देखो जरा से यहां पर अगर ये एग्जिस्ट किया, जरा यहां देखो b इंटू ई की पावर माइनस अल्फा टी अगर टर्म एग्जिस्ट करेगा तो इसको लिख सकते हैं क्या, b अपॉन e की पावर अल्फा टी, और अगर टाइम बढ़ेगा तो r कम होगा ना भाई, ये रेसिप्रोकल में आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं b अपॉन e की पावर अल्फा टी, तो अगर टाइम बढ़ेगा तो आपका ये r क्या होगा, कम होगा, लेकिन हमें r को तो बढ़ाना है ना, हमें एक्सपेंशन की बात करनी है, ठीक है। तो यहां पर मेरी बात को सुनना, क्योंकि हम एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं तो यहां पर हम बी को क्या मानेंगे, जीरो मानेंगे, ठीक है। चलो ये तो बस मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नाउ अब देखो ध्यान से, फॉर एक्सपेंशन बी इज इक्वल टू हम जीरो मानेंगे, तो आप बताओ देयरफॉर R इज इक्वल टू क्या होगा, A इंटू ई की पावर वॉट, अल्फा टी, ठीक है। अब मुझे वेलोसिटी की बात करनी है ना, तो देखो ध्यान से क्या करेंगे, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डी आर बाई डी टी, इसी को बोलेंगे वेलोसिटी, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, A इंटू ई की पावर अल्फा टी इंटू अल्फा, तो आप बताओ यहां पर v इज इक्वल टू अल्फा इंटू ए की पावर, सॉरी a इंटू e की पावर अल्फा t,
है ना, अल्फा को यहां लिख दिया इंटू ए इंटू ई की पावर अल्फा टी, और आप बताओ ए इंटू ई की पावर अल्फा टी क्या है हमारा, आर ही है, तो वी इज इक्वल टू अल्फा आर, तो यहां पर अल्फा क्या है कॉन्स्टेंट, तो आप बताओ v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r हुआ ना, तो हम बोल सकते हैं ना देयर फोर वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉट r, ठीक है। तो ऐसे प्रूव करना है कि वेलोसिटी ऑफ एक्सपेंशन मतलब रेडियस का डेरिवेटिव, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, है ना, ठीक है, मतलब यहां पर r के होना चाहिए प्रोपोर्शनल, तो वो मैंने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो बहुत बड़ा सॉल्यूशन गया ये, और बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, और एग्जाम के लिए बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलें, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है यहां पर, देखो ध्यान से। अब जो क्वेश्चन नंबर 27 है इसमें क्या कहता है, पहले सवाल को पढ़ते हैं, है ना, अच्छा सवाल है, ठीक है, ध्यान देना बस। कंसिडर अ स्फीयर of radius capital R with charge density distributed as rho R equal to kr for R less than equal to R and zero for greater than R, ठीक है, मेरी बात को सुनना ध्यान से। यहां पर देखो, मतलब यहां पर जो आपका charge distributed है ना वो uniformly नहीं है, ठीक है, वो depend कर रहा है R के ऊपर, ठीक है। तुम ये देखो, अगर हम sphere के अंदर हैं, मतलब जब आपका r जो है रेडियस से छोटा है, ठीक है, तो वहां पर जो आपका सरफेस सॉरी जो आपका चार्ज डेंसिटी है वो कितना है आपका kr है। मतलब अगर हम सेंटर पे होंगे स्फीयर के, तो वहां पर स्मॉल r की वैल्यू कितनी होगी, जीरो, मतलब वहां पर k इंटू जीरो, मतलब आपका रो कितना होगा, जीरो, मतलब सरफेस पे मतलब सेंटर पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, मतलब चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, जीरो होगी, हाँ है ना, ठीक है, ओके। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, जैसे जैसे हम सेंटर से दूर होते जाएंगे चार्ज डेंसिटी की वैल्यू बढ़ते जाएगी, इज इट क्लियर, ठीक है। अच्छा, यहां पर पूरे स्फेयर के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, तो ये बेसिकली आपका हो गया वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, ओके। अब ध्यान देना आप लोग यहां पर कहानी क्या है, मतलब मैंने कहा कि स्फेयर के अंदर जो आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो है आपका डिपेंड ऑन आर, दैट इज के इनटू आर, ठीक है। जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे चार्ज की वैल्यू भी बढ़ते जाएगी, है ना, और जब आप स्फेयर के बाहर आ जाएंगे मतलब फॉर आर ग्रेटर देन आर, ठीक है, वहां पर कोई भी चार्ज नहीं होगा, ठीक है, बात सही भी है ना, स्फेयर के बाहर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। चलो, अब यहां पर पूछ के आराम से वो देखो ध्यान से, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल पॉइंट्स आर, अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है फॉर ऑल पॉइंट्स आर, मतलब सारे पॉसिबल पोजीशंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आओ देखते हैं वो पॉसिबल पोजीशंस क्या हैं, ठीक है, ध्यान देना बस आप लोग। ये देखो, यहां पर जो पहला पार्ट है ए, इसका आंसर करने जा रहा हूं मैं, देखिए ध्यान से, यहां पर देखो, ये आपका ओरिजिनल स्फीयर जिसका रेडियस कितना है आर, ठीक है। अब मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने जा रहा हूं स्फीयर के अंदर, तो स्फीयर के अंदर मतलब मान लो इस पॉइंट पर मैं कैलकुलेट करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सेंटर से लेके इस पॉइंट तक की दूरी जो होगी वो होगी स्मॉल आर, है कि नहीं, ठीक है। चलो, तो यहां पर कौन सा केस हुआ, ये यहां पर केस ले लिया मैंने इसका पहला, इफ आर इज लेस देन रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पर मुझे अगर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो यहां पर हम यूज करेंगे गॉस लॉ, ठीक है, लेकिन गॉस लॉ के लिए पहली बात तो आपको निकालना होगा एंक्लोज चार्ज, ठीक है, सुनना ध्यान से। तो इसमें कितना चार्ज एंक्लोज है ये आप यूनिटरी मेथड से नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहां पर जो चार्ज डेंसिटी है, जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, वो यूनिफॉर्म नहीं है,
है ना, वो आर पर डिपेंड कर रहा है। तो यहां पर आपको अगर इस पूरे सरफेस का, इस पूरे स्फीयर का अगर आपको निकालना है क्या चार्ज, तो उसके लिए आपको इंटीग्रेशन का मेथड यूज करना होगा। ठीक है, आओ करते हैं, ध्यान देना बस। देखो एक काम करो, यहां पर एक स्मॉल वॉल्यूम, एलिमेंट्री वॉल्यूम, ये देखो ध्यान से, यहां पर आपने एक एलिमेंट्री वॉल्यूम चूज कर लिया, यहां पर एलिमेंट्री वॉल्यूम चूज कर लिया ऑफ वॉल्यूम डीवी, ऑफ वॉल्यूम डीवी। ठीक, तो तुम बताओ इस एलिमेंट्री वॉल्यूम में जो चार्ज होगा वो भी एलिमेंट्री होगा, मतलब बहुत छोटा चार्ज होगा। ठीक, चलो अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, तुम बताओ यहां पर जो चार्ज होगा और जो यहां पर चार्ज होगा, मतलब जो चार्ज डेंसिटी गिवन है अपन को, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वो यहां पर जो होगा वही यहां पर भी होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में डिस्टेंसेस में ज्यादा फर्क नहीं है, है कि नहीं। तुम ये बताओ इनका जो थिकनेस है वो मैं मान लेता हूं dr। ठीक है, तो तुम बताओ उस dr थिकनेस में जो आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो अब मेरी बात को सुनना, अगर मुझे इस एलिमेंट्री वॉल्यूम का मुझे चार्ज निकालना है, तो आप बताओ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस एलिमेंट्री पोर्शन का चार्ज मिल जाएगा ना मुझे। तो आप देखो ध्यान से, यहां पर मैं बोलूंगा डी क्यू इज इक्वल टू रो इंटू डीवी, है कि नहीं। ठीक है, यहां पर ध्यान देना आप लोग, मैंने कहा डी क्यू इक्वल टू रो इंटू डीवी, मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे तो चार्ज मिलेगा ना अपन को। तुम बताओ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, है कि नहीं। मतलब ये जो रो होता है वो पर यूनिट वॉल्यूम का होता है चार्ज। ठीक है, आप उसको अगर गिवन वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे तो उस पर्टिकुलर वॉल्यूम का क्या मिल जाएगा, चार्ज। ठीक है, आओ अब देखो ध्यान से यहां पर, तो डी क्यू इक्वल टू रो इंटू डीवी। ठीक है, अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, मैं इस डीवी की वैल्यू को कैलकुलेट करने जा रहा हूं मैं। देखो तुम बताओ ये जो आपका अंदर वाला स्फेयर है जिसका रेडियस आर है, स्मॉल आर, उसका जरा वॉल्यूम बताओ। तो आप बताओ वॉल्यूम इज इक्वल टू, सिंस वी इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं 4/3 pi इंटू स्मॉल आर क्यूब, है ना। ये जो अंदर वाला आपका स्फेयर है इसका वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 pi आर क्यूब। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू आर, तो क्या हो जाएगा ये डीवी बाई डी आर इज इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा क्या 4/3 pi, और ये आर क्यूब का डेरिवेटिव बोलो 3r square, ये 3 से 3 निपट गया तो ये आ जाएगा 4 pi r square। ठीक, अब एक काम करें डी आर को क्रॉस इंटू कर दें, तो आप बताओ डीवी की वैल्यू को लिख सकते हैं क्या दिस इंटू डी आर, है कि नहीं। ठीक है, चलो तो यहां पर मैंने डीवी की वैल्यू निकाल ली, अब मैं इस डीवी की वैल्यू को पुट कर रहा हूं यहां पर। ठीक है, ध्यान देना बस यहां पर, देयरफोर डी क्यू इज इक्वल टू रो, अच्छा रो की वैल्यू कितनी है के इन टू आर। ठीक है, ये हो गया आपका के इन टू आर, ये डीवी, मतलब 4 pi r square dr। ठीक है, चलो अब ध्यान देना डी क्यू इज इक्वल टू, यहां पर थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं इसको, 4 pi पहले लिख दिया, फिर k, और फिर ये r cube और ये dr। ठीक, अच्छा सुनो यहां पर जो k है ना ये 1/4 pi epsilon naught वाला k नहीं है, ये k कोई कांस्टेंट है। ठीक है, चलो ये हो गया आपका सिंपल डी क्यू की वैल्यू। अब आप बताओ अगर मुझे इस पूरे स्फेयर का, मतलब इस वाले स्फेयर में कितना चार्ज है, इस अंदर वाले स्फेयर में कितना चार्ज है, अगर ये पूरा चार्ज निकालना है तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे इसको। ठीक है, आओ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, यहां पर 4 pi k बाहर आ गया,
इंटीग्रेशन ऑफ आर क्यूब डी आर, ठीक। अब यहां पर लिमिट पुटअप करते हैं, आओ तुम बताओ ये जो स्फेयर है इसका अगर टोटल चार्ज निकालना है तो आर की वैल्यू वैरी करेगी फ्रॉम जीरो टू आर ना, जीरो टू स्मॉल आर ना, पूरा अपन को कवर करवाना है जीरो से लेके आर तक, तो ये हो जाएगा जीरो टू आर, ठीक। चलो अब देखो यहां पर ध्यान से, मैं यहां पर डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है क्यू, ठीक है, कहां पर करूं मैं, चलो नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। ये हो जाएगा q इज इक्वल टू फोर पाई k, और जो r क्यूब था ये देखो r क्यूब का इंटीग्रेशन r की पावर 4 अपॉन 4, ठीक है। चलो ये हो जाएगा r की पावर 4 अपॉन 4, और यहां पर लिमिट पुट करेंगे 0 टू r, ठीक है। तो आप बताओ क्या होगा कहानी, ये 4 निपटा दें क्या पाई k, अब बताओ आर की जगह पर अपर लिमिट रखोगे तो आर ही तो आएगा, आर की पावर 4 और ये माइनस 0, तो लिखने का कोई सेंस नहीं है, ठीक है। मतलब टोटल चार्ज इनक्लोज जो आया है वो आया है पाई के आर की पावर 4, दिस इज द इनक्लोज चार्ज, ठीक है, बाय द इनर स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर, इज इट क्लियर, ठीक है। अब ध्यान देना आप लोग यहां पर, जरा डायग्राम पे वापस आते हैं, देखो अगर मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो यही होता है ना गॉशियन सरफेस, तो यहां पर गॉशियन सरफेस का रेडियस कितना है, मतलब जो गॉशियन हमने लिया है स्फीयर, ठीक है, उसका रेडियस कितना है स्मॉल आर, ठीक। चलो अब ध्यान देना, गॉस लॉ का इस्तेमाल करते हैं, आओ बाय गॉस लॉ, आप ये बताओ गॉस लॉ से क्या मिलता है अपन को, टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड, ठीक है। अब बताओ जो फ्लक्स होता है उसको लिख सकते हैं क्या इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds, है ना, इज इक्वल टू एनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और ds वेक्टर के बीच का एंगल 0 होता है तो यहां पर E डॉट ds को EDS लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये देखो E बाहर कर दिया मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू एनक्लोज चार्ज कितना है पाई के r की पावर 4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ ds का मतलब होता है सरफेस एरिया ऑफ गॉशियन सरफेस, ठीक है। तो यहां पर आपने आपका जो गॉशियन सरफेस है वो कैसा है, स्फेरिकल है कि नहीं, तो उसका एरिया क्या होगा 4 पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर देखें ध्यान से, ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा पाई के आर की पावर 4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, होगा ऐसा, ठीक है। यहां पर पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये आर स्क्वायर कैंसिल तो स्क्वायर बच गया यहां पर बस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई अंदर के आर स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एट अ पॉइंट वेयर स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, इज इट क्लियर, ठीक है। तो यह हो गया अंदर के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हम निकालेंगे बाहर के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, मतलब जहां पर स्मॉल आर क्या होगा ग्रेटर देन आर होगा, ठीक है, ध्यान देना। अब जो सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं यहां पर, इफ स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, ठीक है। चलो भाई सुंदर सा डायग्राम बनाते हैं पहले, ये देखो ये रहा मस्त सर्कल आपका, बढ़िया लग रहा है, हाँ ठीक है। अब ध्यान देना आप लोग, ये आपका वो पॉइंट है जहां पर अपन को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सेंटर ओ, ये है रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है। मुझे अब इस पॉइंट पी पर निकालना है मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चलो
तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक गॉशियन सरफेस इमेजिन करेंगे ना, यहां पर हम एक गॉशियन सरफेस इमेजिन करेंगे, ठीक है। अब बताओ, तुम ये बताओ, ये जो गॉशियन सरफेस है, इसने जो चार्ज इंक्लोज किया हुआ है वो पूरे इस ओरिजिनल स्फीयर का चार्ज होगा ना, मतलब जो टोटल चार्ज होगा स्फीयर का वही एंक्लोज चार्ज होगा इस गॉशियन सरफेस का, ठीक है। तो अभी हमें निकालना है एंक्लोज चार्ज, मतलब स्फीयर का टोटल चार्ज निकालना होगा, ठीक है। चलो आओ निकालते हैं टोटल चार्ज, ध्यान देना बस। आप ये देखो, आप ये बताओ, मुझे इस स्फीयर का क्या निकालना है, टोटल चार्ज निकालना है, ठीक है। चलो ध्यान देना बस यहां पर, ये देखो हम क्या करेंगे, यहां पर एक एलिमेंट्री वॉल्यूम ले लेंगे, यहां पर एलिमेंट्री वॉल्यूम ले लेंगे हम, ठीक है, ऑफ थिकनेस dr, ठीक है, और इसका वॉल्यूम क्या है, एलिमेंट्री वॉल्यूम dv, है कि नहीं, ठीक है। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, यहां पर ये देखो, मुझे यहां से जीरो से लेके पूरा रेडियस ऑफ स्फीयर तक उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा इस बार, ठीक है। चलो पहले तो ये बताओ, इस एलिमेंट्री वॉल्यूम का चार्ज कितना होगा, क्या वो होगा dq इज इक्वल टू रो इनटू dv, है कि नहीं, ठीक है। अब ये बताओ, अभी हमने dv की वैल्यू निकाली थी ना, ठीक है, dv की वैल्यू क्या थी अपने पास यहां पर, ठीक है। अगर आपको यहां पर कंफ्यूजन हो रहा है कि यार ये जो dr है वो यहां पर ले रहे हैं अपन यहां पर भी ले सकते हैं dr, एलिमेंट्री वॉल्यूम कहीं भी ले सकते हैं हम लोग यहां पर, है ना, तो यहां पर आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, तो एक काम करो, मैं इसको एक और तरीके से बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान देना। मैं यहां पर एक एलिमेंट्री वॉल्यूम ले लेता हूं, मैं हां ये बढ़िया दिख रहा है, ठीक है। अब देखो, मैं यहां पर ले लेता हूं एक एलिमेंट्री वॉल्यूम dv, और ये आपका थिकनेस कितना dr, इट इज एट अ डिस्टेंस व्हाट, स्मॉल r, लेकिन मुझे पूरे स्फीयर का चार्ज निकालना है, तो मैं इस r को वैरी कराऊंगा फ्रॉम जीरो टू रेडियस ऑफ स्फीयर, पूरा यहां तक इंटीग्रेट कराऊंगा मैं इसको, ठीक है। अभी मैंने जो एलिमेंट्री वॉल्यूम लिया है वो मैंने एट अ डिस्टेंस स्मॉल r लिया मैंने, ठीक है, फिर मैं उसको इंटीग्रेट करा दूंगा फ्रॉम जीरो टू रेडियस ऑफ स्फीयर तक पूरा, ठीक। चलो अभी तुम देखते जाओ बस, यहां पर देखो, आप बताओ इस एलिमेंट्री वॉल्यूम का चार्ज कितना होगा, dq इज इक्वल टू रो इंटू dv, है कि नहीं, चार्ज ऑफ एलिमेंट्री पोर्शन इक्वल टू रो इंटू एलिमेंट्री पोर्शन का वॉल्यूम, ठीक है। अब बताओ dq इज इक्वल टू रो, क्या इसको लिख सकते हैं, k इंटू r, ठीक है, और ये dv, अच्छा dv की वैल्यू निकाल चुके हैं अपन, चलो आप लोग पीछे से देख लेना, 4 पाई आर स्क्वायर निकाला था अपन ने भाई, 4 बाय 3 पाई आर क्यूब था, ठीक है, उसको डिफरेंशिएट किया था तो वहां पर 3 नीचे उतरा था पावर, तो आपका 3 कैंसिल हो गया था, तो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ये अपना dv की वैल्यू आई थी अपने पास, वही मैंने यहां पर यूज कर लिया, ठीक है। अब बताओ यहां पर dq इज इक्वल टू यहां पर 4 पाई k और ये r क्यूब डी आर, ये आएगा ना, अब इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन, लेकिन इस बार जो हमें चार्ज निकालनी है वो कंप्लीट चार्ज निकालनी है, मतलब इंटीग्रेशन करेंगे हम जीरो से लेके कहां तक, रेडियस ऑफ स्फीयर तक, मतलब कैपिटल आर तक, तो जीरो टू कैपिटल आर, ठीक है। अब बताओ इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू इज क्यू इक्वल टू 4 पाई के
इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, आर की पावर 4/4, ये हो जाएगा 0 to R। ठीक, ये 4 कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर रखोगे स्मॉल आर की जगह पर कैपिटल आर, तो बताओ क्या हो जाएगा आपका यहां पर, क्यू इज इक्वल टू पाई के इंटू आर की पावर 4। दिस इज द एनक्लोज चार्ज, मतलब ये बेसिकली पूरे स्फेयर का चार्ज है। ठीक है, चलो अब ध्यान देना, आते हैं उस क्वेश्चन पे। ठीक है, ये देखो ध्यान से, मुझे इस पॉइंट पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके लिए एंक्लोज चार्ज इस पूरे का चार्ज होगा, और इस पूरे का चार्ज मैंने निकाल लिया है। ठीक है, कितना होगा आपका, पाई के आर की पावर 4। ठीक है, अब हम लगाते हैं यहां पर गॉस लॉ, ध्यान देना, बाय गॉस लॉ क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds इज इक्वल टू एनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, और ई डॉट ds को हम EDS लिख सकते हैं, बिकॉज थीटा यहां पर 0 डिग्री है ना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, तो वहां पर आपका एंगल 0 डिग्री होगा। चलो ध्यान देना बस आप लोग यहां पर, अगर आपको इसमें दिक्कत है कि कैसे एंगल सर 0 डिग्री हो गया, तो मेरी बात सुन लो। ये देखो, मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो यहां पर हम एलिमेंट्री एरिया लेंगे ds, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसा होगा, है कि नहीं, और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी आउटवर्ड होगी, अगर हम इसको पॉजिटिव चार्ज मानते हैं तो, है कि नहीं। ठीक है, तो आप बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो ई डॉट ds मतलब ई डी एस कॉस थीटा, एंड थीटा इज 0 डिग्री, तो ई डी एस कॉस 0 मतलब ई डी एस। ठीक, चलो अब ध्यान देना आप लोग यहां पर, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस इज इक्वल टू एनक्लोज चार्ज कितना होगा, पाई के आर की पावर 4/ एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ई बाहर कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू पाई के आर की पावर 4/ एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, नाउ ये देखो, ये जो इंटीग्रेशन ऑफ ds होता है वो गॉसियन सरफेस का एरिया होता है, और गॉसियन सरफेस का एरिया मतलब रेडियस स्मॉल r का सरफेस एरिया, दैट इज 4π r2। ठीक है, चलो तो ये हो जाएगा आपका इंटू 4π r2 इक्वल टू पाई के आर की पावर 4/ एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो यहां पर पाई कैंसिल, यहां पर और कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो वैल्यू कितनी आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू के आर की पावर 4/4 इंटू आर स्क्वेर। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर। ठीक है, तो मैंने अंदर निकाल दिया, बाहर निकाल दिया, मतलब सारे पोजिशन पे मैंने निकाल लिया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। इज इट क्लियर? ठीक है, नाउ यहां पर अपना पहला पार्ट ओवर होता है इस क्वेश्चन का। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है इसमें। ठीक है, ध्यान देना बस आप लोग, इधर देखो, जो इसका बी पार्ट है। ठीक है, पहले सवाल को पढ़ते हैं। सपोज द टोटल चार्ज ऑन द स्फेयर इज 2E। हमने टोटल चार्ज निकाला था ना स्फेयर का, लेकिन यहां पर बोल रहा है कि टोटल चार्ज मान लो स्फेयर का कितना है, 2E है। ठीक है, वेयर ई इज द इलेक्ट्रॉन चार्ज, जिसमें ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। ठीक है, वेयर कैन 2 प्रोटॉन्स बी एम्बेडेड such that the force on each of them is 0। दो प्रोटॉन को स्फेयर में कहां पर डालें ताकि उस दोनों प्रोटॉन के ऊपर नेट फोर्स कितना हो, 0 हो। उसने कहा कि स्फेयर में दो प्रोटॉन हम कहां पर डालें, ठीक है, ताकि उस प्रोटॉन के ऊपर, दोनों प्रोटॉन के ऊपर नेट फोर्स 0 हो। ठीक, चलो आगे देखते हैं।
assume that the introduction of proton does not alter the negative charge distribution. ठीक है, मतलब उसने कहा कि यहां पर प्रोटॉन को डालने पर उस नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई असर नहीं आएगा, है ना, ऐसा कहा उसने. ठीक, चलो अब मेरी बात को सुनना ध्यान से. यहां पर देखो ध्यान से, कहां पर रखेंगे अपन प्रोटॉन को, दोनों प्रोटॉन को, वो अपन को निकालना है. ठीक है, ताकि उसके ऊपर नेट फोर्स क्या हो, जीरो हो. ठीक है, इधर ध्यान देना बस. तुम्हें बात बताओ, उसने क्या बोला कि इस बार जो स्फीयर का चार्ज है, ठीक है, वो 2e है ना. ठीक है, और e इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, मतलब जो स्फीयर है वो आपका नेगेटिवली चार्ज है. ठीक है, नेगेटिवली चार्ज है. ओके, चलो ध्यान देना. आप ये बताओ, जो b पार्ट है, ये आपका स्फीयर है. ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से, ये आपका नेगेटिवली चार्ज है. ठीक है, ओके, इसका चार्ज उसने कितना बोला है, 2e बोला उसने चार्ज, लेकिन हमने भी तो निकाला है इसका चार्ज, टोटल चार्ज. ठीक है, तो हमारा निकाला हुआ चार्ज और उनका दिया हुआ चार्ज को हम इक्वेट कर सकते हैं ना. ठीक है कि नहीं है, चलो आओ. हमने क्या निकाला था देखो जरा, हमने निकाला था पाई के आर की पावर 4. ठीक है, चार्ज ऑफ वॉट, आपका स्फीयर. ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे यहां पर, देखो ध्यान से, यहां देख लो, सिंस टोटल चार्ज इज इक्वल टू 2e गिवन है, और क्यू हमने कितना निकाला है, कितना निकाला हमने, पाई के आर की पावर 4, पाई के आर की पावर 4 इक्वल टू 2e. ठीक, चलो ठीक है, तो यहां से हम k की वैल्यू निकाल के रख लेते हैं यार, हमारा निकाला हुआ चार्ज और उनका दिया हुआ चार्ज. ठीक है, तो यहां पर k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2e अपॉन पाई r की पावर 4, ये k हो जाएगा आपका, है ना. ऐसे निकाल के रख लिया हमने, कहीं अगर काम आया तो यूज कर लेंगे अपन. ठीक है, अब देखो ध्यान से, सवाल क्या था कि कहां पर रखे वो दो प्रोटॉन ताकि दोनों प्रोटॉन पे नेट फोर्स कितना हो, जीरो हो. ठीक है, तो सुनना, अगर आप चाहते हो कि प्रोटॉन्स के ऊपर नेट फोर्स जीरो हो, तो वो दोनों प्रोटॉन को डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पर रखना होगा. ये आपका सेंटर है, ठीक, और यहां पर प्रोटॉन को रखना होगा एट सम डिस्टेंस से आर. ठीक है, ये रहा आपका प्रोटॉन 1, ये रहा आपका प्रोटॉन 2, यहां पर रखना होगा, तब जाकर के इस पे नेट फोर्स जीरो होगा और इस पे भी नेट फोर्स जीरो होगा, है कि नहीं. ठीक है, अब देखते हैं नेट फोर्स जीरो कैसे होगा. ठीक है, तुम जरा बताओ, प्रोटॉन के ऊपर अगर हम चाहते हैं कि इस प्रोटॉन 1 के ऊपर नेट फोर्स जीरो हो, तो तुम बताओ इसके ऊपर कौन कौन लगाएगा फोर्स. एक तो लगाएगा ये वाला प्रोटॉन इसके ऊपर फोर्स, रिपल्सिव है कि नहीं, और जो इसमें नेगेटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, अट्रैक्टिव है कि नहीं, मतलब नेगेटिव चार्ज ऑफ स्फीयर एंड दूसरा प्रोटॉन, ये दोनों लगाएंगे फोर्स इस पहले प्रोटॉन के ऊपर, है ना, इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तब तो हम कहेंगे कि उसके ऊपर नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा. तो हम यहां पर क्या करेंगे, इस प्रोटॉन का कितना फोर्स होगा इसके ऊपर वो निकालेंगे. ठीक है, और इसके ऊपर इस नेगेटिव चार्ज का कितना फोर्स होगा वो भी हम निकालेंगे, है ना, और दोनों का रिजल्टेंट हम जीरो कर देंगे, और वहां से हम निकालेंगे कि ये आर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तब जाके अपन को मिलेगा कि हां कितने डिस्टेंस पे हम प्रोटॉन को एम्बेडेड करें ताकि उसके ऊपर नेट फोर्स कितना हो, जीरो हो, है ना. तो ये हमें काम करना है. ठीक है, चलो आओ करते हैं, ध्यान देना बस आप लोग. ये देखो, पहला मैं बोलूंगा अट्रैक्टिव फोर्स ऑन प्रोटॉन 1, ठीक है, ड्यू टू स्फीयर.
ड्यू टू स्फीयर। अब सुनना ध्यान से, इस अट्रैक्टिव फोर्स को मैंने F1 बोल दिया, और आप बताओ मुझे निकालना है स्फीयर की वजह से फोर्स, ठीक है, किसके ऊपर, प्रोटॉन के ऊपर। तो प्रोटॉन का चार्ज होता है E, ठीक है, और इसके ऊपर लग रहा है फोर्स किसके द्वारा, स्फीयर के द्वारा, मतलब स्फीयर के इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, ठीक। तो स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E, और क्योंकि ये अट्रैक्टिव है इसलिए साइन क्या लगेगा, माइनस। अट्रैक्टिव फोर्स में आपका साइन क्या आता है, नेगेटिव आता है, ठीक। अब सुनो, ध्यान से सुनना, अगर मुझे इस पॉइंट पर, मतलब इस प्रोटॉन पे फोर्स निकालना है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो देखना होगा ना मुझे भाई। इस प्रोटॉन पे मुझे फोर्स निकालना है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्फीयर, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मालूम होनी चाहिए ना अपन को ऑफ स्फीयर, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस स्मॉल r, और वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है, ध्यान देना। आप बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कितना कैलकुलेट किया था अंदर वाले पॉइंट पर, ये रहा के आर स्क्वायर अपॉन फोर एप्सिलॉन नॉट अंदर वाले पॉइंट पे, ठीक है, तो कितना हमने लिया, माइनस ई के आर स्क्वायर अपॉन फोर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये है बेटा एफ वन की वैल्यू, ठीक है। चलो ये हो गया अट्रैक्टिव फोर्स ऑन प्रोटॉन। नाउ इसको दे दिया हमने इक्वेशन वन, ठीक है, अब मैं निकालूंगा रिपल्सिव फोर्स, ठीक है, ऑफ प्रोटॉन टू ऑन प्रोटॉन वन। भाई इसके ऊपर एक तो स्फीयर के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा है, और एक जो दूसरा प्रोटॉन है वो भी तो लगाएगा इसके ऊपर फोर्स रिपल्सिव, तो इसका रिपल्शन और इसका अट्रैक्शन बैलेंस होना चाहिए, तब जाके नेट फोर्स जीरो होगा, है कि नहीं। चलो आओ देखते हैं, यहां पर आना, रिपल्सिव फोर्स ऑन प्रोटॉन वन ड्यू टू प्रोटॉन टू, ठीक है। चलो देखते हैं, यहां पर मैंने मान लिया वो रिपल्सिव फोर्स कितना F2 है, ठीक है, अब रिपल्सिव फोर्स निकालना है एक प्रोटॉन का दूसरे प्रोटॉन के ऊपर, तो कूलम्स लॉ हो जाएगा यहां पर। कूलम्स लॉ क्या होता है, कूलम्स लॉ वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू, और यहां पर क्यू वन क्यू टू दोनों ही ई है, ई, तो ये ई स्क्वायर हो जाएगा ना, अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा टू आर, तो टू आर का स्क्वायर, ठीक, क्लियर है ये। नाउ अब बताओ इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर टू, अब आप बताओ अगर आप चाहते हो कि प्रोटॉन के ऊपर नेट फोर्स कितना हो, जीरो, तो इन दोनों का जो समेशन है वो कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो हम कहेंगे फॉर फोर्स ऑन प्रोटॉन वन टू बी जीरो, ठीक है, टू बी जीरो, ठीक है, यहां पर मैं बोलूंगा F1 प्लस F2 इज इक्वल टू जीरो, ठीक। चलो तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का समेशन जीरो से इक्वेट करेंगे। चलो आओ करते हैं, ध्यान देना, आप बताओ F1 की वैल्यू कितनी थी, माइनस ई, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, के आर स्क्वायर अपॉन फोर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, प्लस जो आपका कूलम फोर्स था, दैट इज के मतलब यहां पर है वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इनटू ई स्क्वायर अपॉन टू आर का स्क्वायर इक्वल टू जीरो, एक बार देख लो यही वैल्यू है ना, वैसे यही होगा, ठीक है, माइनस ई के आर स्क्वायर अपॉन फोर एप्सिलॉन नॉट, और ये तो कूलम फोर्स ही है, ठीक है। चलो अब देखो यहां पर ध्यान से, इसको तुम उधर शिफ्ट कर दो तो कितना हो जाएगा आपके पास, ई स्क्वायर अपॉन फोर पाई
एप्सिलॉन नॉट इनटू 4R स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ई के आर स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। तो 4 एप्सिलॉन नॉट तो कैंसिल हो गया, एक ई भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ई अपॉन क्या बचा हुआ है, 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा k की वैल्यू हम निकाल चुके हैं ना, है ना, देखो कितना k की वैल्यू, 2e अपॉन पाई कैपिटल R की पावर 4, 2e अपॉन पाई कैपिटल R की पावर 4, ये k की वैल्यू और ये इनटू आर स्क्वायर एज इट इज, e से e भी कैंसिल, पाई भी कैंसिल, ठीक। अब देखो R की पावर 4 ऊपर इनटू करो R की पावर 4, ये 2 नीचे इनटू कर दो 8, और आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर आर की पावर 4, ठीक। अब मुझे ये आर की वैल्यू निकालनी है ना कि कहां पर प्रोटॉन को प्लेस करें, मतलब मुझे स्मॉल आर निकालना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसका पावर 4 शिफ्ट करो, तो आर इज इक्वल टू इसका फोर्थ रूट क्या होगा, आर, और इसका फोर्थ रूट आपको वैसे ही लिख के छोड़ देना होगा, ठीक। मतलब इतने डिस्टेंस पे सेंटर से, इतने डिस्टेंस पे आप दोनों प्रोटॉन को रखोगे डायमेट्रिकली ऑपोजिट में, तब जाकर के प्रोटॉन के ऊपर नेट फोर्स कितना होगा, जीरो होगा। इज इट क्लियर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लंबा था, इसमें मैं कहूंगा आपसे जो पहला पार्ट था ना, ठीक है, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, आ सकता है, लेकिन ये दूसरा वाला थोड़ा सा कम चांस है आने का, है ना। तो पहला वाला पार्ट तो बड़ा अच्छा था, ठीक है, वो पूछते भी है नॉर्मली। इज इट क्लियर। तो ये था अपना पूरा क्वेश्चन का जवाब, है ना, ठीक है। अब हम देखते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। देखो भाई लॉन्ग आंसर है ना, तो वाकई इसमें सॉल्यूशंस लॉन्ग लॉन्ग आपको मिलेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोलता है वो, पहले सवाल को पढ़ते हैं। पहले टू फिक्स्ड आइडेंटिकल कंडक्टिंग प्लेट्स अल्फा एंड बीटा, है ना, यहां पर दो फिक्स्ड आइडेंटिकल कंडक्टिंग प्लेट है अल्फा एंड बीटा, ये डायग्राम में दिख रहा होगा आपको, अल्फा एंड बीटा ये दो फिक्स्ड कंडक्टिंग प्लेट है, ठीक है। चलो अब ध्यान देना, ईच ऑफ सरफेस एरिया एस, ठीक है, दोनों का सरफेस एरिया एस है, ठीक है, आर चार्ज टू माइनस क्यू एंड क्यू रेस्पेक्टिवली, मतलब इसके ऊपर चार्ज है माइनस क्यू और इसके ऊपर है स्मॉल क्यू चार्ज पॉजिटिव में, ठीक है। वेयर कैपिटल क्यू इज ग्रेटर देन स्मॉल क्यू ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, मतलब कैपिटल क्यू की वैल्यू जो है वो स्मॉल क्यू से ज्यादा है, ठीक है। चलो ओके, अ थर्ड आइडेंटिकल प्लेट गामा फ्री टू मूव इज लोकेटेड ऑन द अदर साइड ऑफ द प्लेट विथ चार्ज क्यू एट ए डिस्टेंस डी, ठीक है। एक और प्लेट है आपका गामा जो कि फ्री टू मूव है, वो मूव कर सकता है ना, ये डी डिस्टेंस पर प्लेस्ड है ना, और इसके ऊपर चार्ज कितना है कैपिटल क्यू, लेकिन यहां स्मॉल क्यू बोल रहा है, इसको आप कैपिटल क्यू कर सकते हैं, है कि नहीं, ठीक है ओके। नाउ अब आगे क्या बोल रहा है वो, द थर्ड प्लेट इज रिलीज्ड, मतलब जो गामा प्लेट है उसको रिलीज किया गया है एंड कोलाइड विद द प्लेट बीटा, ठीक है। तो जैसी इसको आप रिलीज करोगे ये मूव हो करके कोलाइड कर रहा है किससे, बीटा वाले प्लेट से, ठीक है। एज्यूम द कोलिजन इज इलास्टिक एंड द टाइम ऑफ कोलिजन इज सफिशियंट टू रीडिस्ट्रीब्यूट अ चार्ज अमंग बीटा एंड गामा, देखो क्या होगा, बीटा प्लेट पे आकर के गामा प्लेट टकराएगा और उसने कहा कि ये जो टकराव है ना वो इलास्टिक होना चाहिए, ठीक है, और उसमें लेकिन कोलिजन टाइम इतना सफिशियंट रहेगा कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होना चाहिए, जो भी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होना चाहिए वो हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो यहां पर क्या बोल रहा है आगे, पहला सवाल फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिंग ऑन द प्लेट गामा बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले इस गामा प्लेट के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, ठीक है। तो मेरी बात को सुनो, इस गामा के ऊपर किस किस का इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, इस बीटा प्लेट का और इस गामा सॉरी अल्फा प्लेट का, है कि नहीं, तो इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर लगेगा ना,
तो कितना लगेगा मुझे वो कैलकुलेट करनी है। ठीक है, आओ करते हैं, ध्यान देना। ये देखो, ये आपके पास एक प्लेट है अल्फा, एक और प्लेट है बीटा, ठीक है, और ये आपका प्लेट है गामा, है ना। ठीक है, तो ये अल्फा प्लेट, ये बीटा प्लेट और ये गामा प्लेट, ठीक है। चलो, इसके ऊपर चार्ज है माइनस क्यू, इसके ऊपर है स्मॉल क्यू, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसकी फील्ड यहां पर कितनी होगी, तो यहां पर इसकी फील्ड होगी इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो तुम बताओ इसकी फील्ड यहां पर कितनी होगी, दैट इज क्यू अपॉन एस इंटू टू एप्सिलॉन नॉट। आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा को लिख सकते हैं चार्ज अपॉन एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो देखो q अपॉन s इंटू टू एप्सिलॉन नॉट, इज इट क्लियर, ठीक है। अब देखो इसकी भी फील्ड यहां पर होगी, लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है इनवर्ड होगी, ठीक है। तो यहां देखो इनवर्ड डायरेक्शन में होगी q अपॉन s इंटू टू एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू, ठीक है। अब बताओ क्योंकि ये वाला चार्ज ज्यादा है इस वाले चार्ज से, है ना, क्वेश्चन में गिवन है, तो जो नेट फील्ड होगा वो किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, है कि नहीं, मतलब टुवर्ड लेफ्ट होगा, ठीक। तो आप बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट होगा वो कितना होगा, q माइनस, या ऐसा कर लेते हैं क्यू एस टू एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन एस टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और क्योंकि ये लेफ्ट की तरफ है तो यहां पर हम लिख दें डायरेक्शन के लिए माइनस एक्स कैप, नेगेटिव एक्स के लॉन्ग होगा, ठीक है। चलो तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्यू माइनस क्यू अपॉन, यहां एलसीएम आ जाएगा टू एप्सिलॉन नॉट एस, ठीक है, माइनस एक्स कैप, इज इट क्लियर। ये आपका वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली मैंने, है ना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा q माइनस क्यू बाय टू एप्सिलॉन नॉट एस, इज इट क्लियर, ठीक है। चलो तो ये हो गया आपके पहले सवाल का जवाब, है ना, बड़ा सिंपल था ये तो, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है वो, आओ देखो, ये बोल रहा है फाइंड द चार्जेस ऑन बीटा एंड गामा आफ्टर द कोलिशन, मतलब जब गामा प्लेट आके बीटा से कोलाइड करेगा ना, ठीक है, तो उसके बाद दोनों के ऊपर चार्जेस कितने कितने होंगे अपन को वो बताना है, ठीक है। चलो करते हैं कैलकुलेट, अपन ध्यान देना, आप लोग यहां पर देखो ध्यान देना, जो बी पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं, तुम पहले ये बताओ जरा देख के, ठीक है, ध्यान देना, जब ये आके इससे टकराएगा तो जैसे ही इनका कोलिशन होगा तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा, है कि नहीं, तो जैसे ही इनका कोलिशन होगा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैंने मान लिया कि ये एकदम अभी कांटेक्ट में है, एकदम कांटेक्ट में है ये, ठीक है, तो जैसे ही रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, मैं मान लेता हूं कि बीटा वाले प्लेट पे Q1 चार्ज आ गया और गामा वाले चार्ज पे Q2 चार्ज आ गया आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। चलो ध्यान देना, बस ये देखो, ये है आपका बीटा वाला प्लेट और इसके बिल्कुल करीब में है ये गामा वाला प्लेट, ठीक है। चलो आप बताओ इस पे मैंने चार्ज कितना मान लिया Q1, और इस पे मैंने कितना मान लिया चार्ज Q2, ठीक है। चलो अच्छा, ये जो आपका अल्फा वाला प्लेट है वो तो अपनी जगह पे ही है, ठीक है कि नहीं,
नाउ अब ध्यान देना, जिसमें चार्ज कितना है माइनस क्यू, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तुम बताओ अगर मैं इनके बीच में बात करूं, इनके बीच के किसी पॉइंट की बात करूं, पॉइंट ओ मान लो, ठीक है। अब देखो दोनों कंडक्टिंग है, दोनों को जब ये दोनों कोलाइड हुए, ठीक है, तो तुम बताओ कंडक्टिंग के कंडक्टिंग प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है ना, है कि नहीं। तो एक काम करते हैं, सुनो, हम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, ठीक है, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से। तुम बताओ इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इन तीनों प्लेट की वजह से होगा ना, ठीक है। तो हम तीनों प्लेट की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और क्योंकि वो इन दोनों प्लेट के बिल्कुल बीच में है तो वहां पर नेट फील्ड कितना होना चाहिए, जीरो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो भी नेट फील्ड निकाला है हम उसको जीरो से इक्वेट कर देंगे, ठीक है। चलो आओ पहले निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ। देखो ध्यान से, यहां पर इस पॉइंट पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये होगी माइनस क्यू अपॉन एस टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसकी फील्ड होगी इनवर्ट, है ना, ठीक है। तो इनवर्ट होगी मतलब यहां पर नेगेटिव साइन लेंगे, ठीक है। अब देखो इसकी फील्ड यहां पर कैसी होगी, आउटवर्ड, तो पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो हम लेंगे प्लस क्यू वन अपॉन एस टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखो ये जो गामा प्लेट है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आउटवर्ड, लेकिन इसका जो आउटवर्ड है वो टुवर्ड लेफ्ट ही होगा ना भाई। इसकी फील्ड पॉइंट ओ पे कैसी होगी, आउटवर्ड, है कि नहीं। तो आउटवर्ड मतलब लेफ्ट ही हुआ ना, ठीक है। तो हम नेगेटिव में लेंगे यहां पर, ठीक है। तो बताना ये हो जाएगा माइनस क्यू टू अपॉन एस टू एप्सिलॉन नॉट, इज इट क्लियर, ठीक है। और ये जो आपका नेट फील्ड आया है इसको मैं बोल देता हूं ई, ठीक है। नाउ अब बताओ यहां पर हम बोलेंगे ना सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो, मतलब मैं इसको जीरो से इक्वेट करूंगा। तो देखो ध्यान से, माइनस क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट एस प्लस क्यू वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट एस माइनस क्यू टू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट एस इक्वल टू व्हाट, जीरो, है कि नहीं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पर नीचे वाला जो, ये नीचे वाला जो है एलसीएम लेके जीरो में मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्या होगा आपका, माइनस क्यू प्लस क्यू वन माइनस क्यू टू इक्वल टू जीरो। तो आप बताओ यहां पर क्यू वन माइनस क्यू टू इक्वल टू क्यू लिख सकते हैं क्या हम लोग, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर वन, है ना। और मैं एक और इक्वेशन बनाऊंगा Q1 Q2 के टर्म्स में। देखो मुझे Q1 और Q2 की वैल्यू निकालनी है, तो इनके टर्म्स में दो इक्वेशन चाहिए ना मुझे। तो एक इक्वेशन तो ये हो गया आपका, दूसरा इक्वेशन कहां से लाऊंगा मैं, तुम बताओ। आप जब दो प्लेट को मिलाते हो, ठीक है, तो जो नेट चार्ज होगा वो क्या होगा, दोनों चार्जेस का सम, दोनों का जो इनिशियल चार्जेस था उनका जो सम होगा वही होगा क्यू वन प्लस क्यू टू, है ना। तो उससे बनाएंगे अपन सेकेंड इक्वेशन। देखो ध्यान से, यहां पर एक काम करें, यहां देखो जरा, यहां देखो, देखो आप बताओ टकराने से पहले, ठीक है, दोनों के ऊपर चार्ज कितना था, बीटा के ऊपर था स्मॉल क्यू और गामा के ऊपर था कैपिटल क्यू, ठीक है। तो आप बताओ क्यू वन प्लस क्यू टू मतलब टकराने के बाद जो टोटल चार्ज है वो टकराने के पहले जो चार्ज था उनके सम के बराबर होगा, बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज तो कहीं डिस्ट्रॉय होता नहीं है, ठीक है। तो वो होगा आपका q प्लस स्मॉल q, है कि नहीं, ठीक है। टकराने के पहले चार्ज कितना होगा टोटल, कैपिटल q प्लस स्मॉल q, और टकराने के बाद मैंने चार्ज कितना माना, q1 एंड q2, ठीक है, मतलब q1 प्लस q2 टकराने के बाद का टोटल चार्ज, ठीक है। तो दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अब देखो ध्यान से, यहां पर दिस इज इक्वेशन नंबर टू। अब मुझे इन दोनों को सॉल्व करके क्या निकालना है,
Q1 और Q2 की वैल्यू. बड़ा सिंपल है, एक काम करो दोनों को ऐड कर दो. ठीक है बताना, 1+2 करेंगे तो क्या होगा, यहां पर Q2 कैंसिल हो जाएगा ऐड करने पर, तो Q1 + Q1 2Q1, और यहां पर ये ऐड होंगे राइट में तो 2Q + Q. तो यहां से Q1 की वैल्यू आ जाएगी कितना, 2Q + Q/2. दिस इज योर Q1. ठीक, और इस Q1 की वैल्यू को आप डाल दो या तो 1 में या तो 2 में, आपको मिल जाएगा Q2. तो मैं डाल देता हूं इक्वेशन नंबर 2 में. ठीक है, आओ देखते हैं यहां पर. फ्रॉम 2, ये देखो ध्यान से, फ्रॉम 2 Q1 हम निकाल चुके हैं. Q1 की वैल्यू कितनी निकाली मैंने, 2Q + Q/2 है, ये अपन Q1 है, +Q2 इज इक्वल टू व्हाट, Q+Q, है ना. एक बार देख लो, यहां पर मैंने क्या किया, मैंने ये वाली वैल्यू यहां डाल दी तो 2Q + Q/2 + Q2 = Q+Q. ठीक, चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर यहां से Q2 निकालना है अपन को, तो आप बताओ Q2 इज इक्वल टू व्हाट, Q+Q − 2Q/q/2. ठीक, तो ये देखो क्या होगा, 2Q + 2Q − (2Q − Q/2). 2Q कैंसिल, 2Q - Q is Q, Q/2. तो Q2 की वैल्यू कितनी हो गई, Q/2. ठीक, तो ये हो गया आपका टकराने के बाद दोनों प्लेट्स के ऊपर चार्ज, है ना. कितना आया आपका Q1, आपका आया Q (2Q + Q/2) and this Q2 is Q/2. इज इट क्लियर. ठीक है, चलो ये तो हो गया आपका दूसरे सवाल का जवाब कंप्लीट. नाउ अब देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोलता है. देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द प्लेट गामा आफ्टर द कोलिजन एंड एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द प्लेट बीटा. क्या बोल रहा है वो, हमें वेलोसिटी निकालनी है गामा प्लेट की आफ्टर द कोलिजन एंड एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द प्लेट बीटा. मतलब मालूम क्या हुआ होगा, ये बीटा प्लेट है, ये गामा प्लेट है, ये आया होगा, टकराया होगा, फिर गया होगा कितने, सेम डिस्टेंस डी पर. तो तुम बताओ, टकराया फिर गया, तो जब वापस से वो डी डिस्टेंस पे आया होगा तो उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये अपन को निकालना है. है कि नहीं. ठीक है, चलो देखते हैं यहां पर, है ना, डिस्कशन करते हैं. इधर देखो, तुम ये बताओ सोच के थोड़ा सा, मतलब जब कोलिशन हुआ होगा, देखो कोलिशन से पहले एक इंस्टेंट पर ये आपका डी डिस्टेंस पे था आपका गामा प्लेट, फिर वो यहां से बीटा प्लेट पे आया, है ना. क्यों आया बीटा प्लेट पे, क्योंकि इसके ऊपर जो नेट फील्ड है, ठीक है, इसके ऊपर जो नेट फील्ड है इन दोनों प्लेट की वजह से वो इनवर्ड थी, टुवर्ड लेफ्ट थी, है कि नहीं. ठीक है, तो आप बताओ टुवर्ड लेफ्ट फील्ड थी तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा था, पॉजिटिव चार्ज था गामा के ऊपर, दैट इज कैपिटल क्यू. तो तुम बताओ कैपिटल क्यू जो चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसके ऊपर फोर्स लगा होगा और वो मूव हो गया होगा डी डिस्टेंस. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ने काम किया है ना, वर्क किया है ना उसमें, टू मूव अ डिस्टेंस डी, हाँ या ना. ठीक है, ओके. नाउ उसके बाद जब वो दूर गया होगा सेम डिस्टेंस डी तक, तो फिर से काम किया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ने, है ना, टू मूव अ डिस्टेंस डी अगेन आफ्टर कोलिशन, है कि नहीं. मतलब यहां पर जो राउंड ट्रिप में जो वर्क डन है वही वर्क डन कन्वर्ट हुआ होगा उसमें किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, है कि नहीं. तो हम क्या करेंगे, दोनों ट्रिप का मतलब इस इंस्टेंट से लेके कोलिशन होने तक का वर्क डन, फिर कोलिशन होने के बाद वापस से डिस्टेंस डी तक जाने का वर्क डन, ठीक है, दोनों वर्क डन को हम ऐड करेंगे
और उसी वर्क डन को हम काइनेटिक एनर्जी से इक्वेट कर देंगे और वहां से हम निकाल लेंगे वेलोसिटी की वैल्यू। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो तो अपन एक काम करते हैं, दो स्टेप में निकालते हैं वर्क डन। पहला निकालेंगे वर्क डन, ठीक है, फॉर कोलिजन, कोलिजन के लिए जो वर्क करना पड़ा है ना। तो ध्यान देना आप लोग, ये आपका सी पार्ट, ठीक है, वर्क डन फॉर कोलिजन, फॉर कोलिजन है ना, दैट इज बिफोर कोलिजन की बात करते हैं हम लोग। बिफोर कोलिजन कितना वर्क डन हुआ है, ठीक है, तो ये वर्क डन को मैं W1 मान लेता हूं। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मैं मान लेता हूं उस समय जो फोर्स लगा होगा उस गामा प्लेट के ऊपर वो F1 होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है D, ठीक। चलो अब जरा बताओ, जो F1 होगा उसको हम क्या लिख सकते हैं, चार्ज इनटू, ठीक है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन आप ये बताओ, जब कोलिशन हुआ नहीं है तो उस समय चार्ज कितना होगा उसके पास, कैपिटल Q। तो ये हो जाएगा कैपिटल Q इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, इनटू D। नाउ तुम बताओ, कोलिशन के पहले उस गामा प्लेट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट किया था ना, जो पहला सवाल था हमारा, ठीक है, कितना था वो इलेक्ट्रिक फील्ड जरा देखो, ये वाली वैल्यू Q माइनस Q अपॉन टू एप्सिलॉन s, ये आपका था ना मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। चलो इसको यूज करेंगे हम लोग, हां, तो ये होगा आपका Q माइनस स्मॉल Q अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट s इंटू डी एज इट इज चल रहा है, ठीक। तो ये हो गया आपका वर्क डन बिफोर कोलिशन, मतलब कोलिशन तक का, कोलिशन तक के लिए वर्क डन, ठीक। चलो इसको संभाल के रखो, काम आएगा अभी, है ना। अब देखो ध्यान से, अब कोलिशन होने के बाद जब वापस से डिस्टेंस डी तक गया होगा, है ना, तो उस समय कितना होगा वर्क डन, ठीक है, आओ निकालते हैं। वर्क डन आफ्टर कोलिशन, वर्क डन आफ्टर कोलिशन, ठीक है। चलो अब ध्यान देना, आफ्टर कोलिशन वर्क डन निकालना है, तो इसको मैं W2 मान लेता हूं, ठीक है। अब बताओ वर्क डन निकालना है किसके ऊपर, है ना, मतलब किसके ऊपर अपन को वर्क डन निकालना है, उस गामा प्लेट के ऊपर जब वो दूर जा रहा है कोलिशन के बाद, ठीक है। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मान लो इस समय उसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है F2, और डिस्प्लेसमेंट तो डी ही है ना, ठीक। चलो अब बताओ F2 को हम क्या लिख सकते हैं, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अब बताओ इस समय गामा प्लेट के ऊपर कितना चार्ज है, दैट इज Q2, है कि नहीं, ठीक है भाई, रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद उसके ऊपर चार्ज कितना था, Q2, ठीक है, गामा प्लेट के ऊपर। तो ये बताओ, ये होगा आपका Q2 इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इनटू D। चलो अब देखो ध्यान से, ये जो Q2 है इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं ना, दैट इज Q बाय टू, देख लो एक बार, Q2 इज Q बाय टू, ठीक है। चलो पुट करेंगे हम लोग यहां पर, आओ देखो ध्यान से, W2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा Q बाय टू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी, ठीक। चलो अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगा होगा इसके ऊपर, तो आओ जरा डायग्राम देखो पहले, ये अल्फा प्लेट, ये बीटा प्लेट और ये गामा प्लेट, ठीक है। चलो यहां पर ध्यान देना, ये अल्फा प्लेट, बीटा प्लेट, गामा प्लेट, तुम बताओ इसके ऊपर जो चार्ज था उसका तो कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, उसका चार्ज तो माइनस क्यू ही रहेगा, लेकिन बीटा पे हो चुका है रीडिस्ट्रीब्यूशन, तो इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, क्यू वन, है कि नहीं, और इसके ऊपर चार्ज कितना है, क्यू टू,
ये आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। ठीक, अब बताओ इसका फील इसके ऊपर और इसका भी फील इसके ऊपर होगा ना, है कि नहीं? ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां पर इसका फील यहां पर कैसा होगा? इनवर्ट। ठीक है, कितना फील होगा आपका? चलो निकाल लेंगे क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट एस। ठीक है, चलो इसका फील यहां पर कैसा होगा? ऐसा फील होगा, है कि नहीं? ठीक है, अब ध्यान देना बस यहां पर आप लोग। ठीक है, देखो अब जो नेट फील होगा वो कितना होगा? नेट फील मैंने कहा ई। ठीक है, तुम बताओ पहले इसका फील कितना होगा? क्यू वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट एस, और इसका फील कितना होगा? q अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट एस। इज इट क्लियर? यहां पर नेगेटिव नहीं लेंगे हम लोग, क्योंकि डायरेक्शन ले लिया है मैंने उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप बताओ नेट फील कितना होगा? q बाय टू नेट फील होगा दिस माइनस दिस, है कि नहीं? ठीक है, तो नेट फील होगा दिस माइनस दिस। चलो पुट कर लेते हैं, q अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट एस माइनस क्यू वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट एस इंटू डी, है कि नहीं? ठीक है, अब देखो यहां से, यहां पर ये क्यू बाय टू है। ठीक है, ये आपका देखो यहां से, यहां पर एलसीएम कितना आएगा? टू एप्सिलॉन नॉट एस, तो ये देखो q, और ये बताओ q1 की वैल्यू कितनी है? तो q1 की वैल्यू कितनी है वो हम निकाल चुके हैं, एक बार देख लो q1 की वैल्यू, ये वाली थी ना q1 की वैल्यू जो हमने पुट किया था, आप देख सकते हैं 2 कैपिटल q प्लस स्मॉल q बाई टू। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका 2 कैपिटल q प्लस स्मॉल q बाय टू। ठीक, चलो अब देखो होल इंटू डी चल रहा है ना, अब ध्यान देना q बाय टू, यहां पर बताओ ये आपका जो 2 है एलसीएम आएगा तो ये इंटू हो जाएगा 2q ब्रैकेट ओपन माइनस 2q माइनस q अपॉन ये जो 2 है इसमें इंटू हो गया, तो हो गया 4 एप्सिलॉन नॉट एस। ठीक है, होल इनटू व्हाट? डी। ये 2q से 2q कैंसिल हो गया आपका, ये इज इट क्लियर? ठीक है, अब बताओ यहां पर कितना आ रहा है वर्क डन? तो w2 आ रहा है यहां पर कितना? q बाय, ये देखो q इंटू माइनस q माइनस q स्क्वायर बाय 4 एप्स, अच्छा ये 2 इंटू 4 8 हो गया, ये 8 एप्सिलॉन नॉट एस इंटू डी। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया आपका वर्क डन 2। अच्छा, यहां पर जो नेगेटिव आया है वो बिकॉज ऑफ डायरेक्शन आया यहां पर, है कि नहीं? तो यहां पर हो सकता है ये वाला q1 ज्यादा हो इस वाले q से, मैंने दिस माइनस दिस लिया है ना, तो यहां नेगेटिव वर्क डन आ गया, इसका मतलब हो सकता है कि दिस माइनस दिस हो, तो हमें तो यहां पर सिर्फ वैल्यू से मतलब है, हम यहां पर सिर्फ वैल्यू की बात करेंगे यहां पर। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो अब देखो यहां पर ध्यान से, अब मैं यहां पर काम करने वाला हूं, नेट वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक, और नेट वर्क डन देखो यहां पर ध्यान से, W1 की वैल्यू कितनी निकाली मैंने? कैपिटल Q इंटू क्यू माइनस क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन एस। ठीक है, कैपिटल Q इंटू क्यू माइनस क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट एस इंटू डी प्लस। ठीक है, अब ध्यान देना W2, ये है Q स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट एस। Q square upon 8 epsilon naught S into D equal to half mv square। ठीक, अब आप देखो यहां से, यहां पर D कॉमन आ रहा है, तो आप ले लो कॉमन D,
और एप्सिलॉन एस ट्वाइस में कॉमन, तो क्या बचेगा क्यू इंटू क्यू, तो ये हो गया क्यू स्क्वायर माइनस क्यू क्यू, ठीक है। और अब देखो यहां पर ध्यान से, यहां पर क्या बचा हुआ है प्लस, यहां पर ये होगा क्यू स्क्वायर अपॉन फोर इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक, ये टू कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से, यहां पर ये हो रहा है आपका डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट एस, ध्यान देना ये जो आपका एक्सप्रेशन दिख रहा है ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। देखो ए स्क्वायर, यहां पर अगर आप चाहो तो टू का इंटू डिवाइड कर सकते हो, तो ये टू का इंटू डिवाइड करो तो देखो टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ठीक। तो ये बताओ ये कितना हो जाएगा क्यू माइनस क्यू बाय टू का होल स्क्वायर इक्वल टू एम वी स्क्वायर, ठीक। अब देखो ध्यान से यहां पर आगे, यहां पर हो जाएगा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट एस, ठीक है। ये क्या था आपका, ये था आपका क्यू माइनस क्यू बाय टू का होल स्क्वायर इक्वल टू एम वी स्क्वायर, यही था क्या, एक बार देख लेते हैं भाई। यस यस यस, सही है। चलो अब मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो मैं मास को डिवाइड करूंगा, ठीक है। तो ये देखो डी अपॉन एम एप्सिलॉन नॉट एस इंटू क्यू माइनस क्यू बाय टू का होल स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर। अब यहां पर वी की वैल्यू आने वाली है, थोड़ी खतरनाक दिखेगी अपन को। चलो तुम बताओ इसका स्क्वायर ट्रांसफर, तो ये स्क्वायर हट जाएगा q माइनस क्यू बाय टू, लेकिन इसका तो रूट आएगा, मतलब अंडर रूट ऑफ डी अपॉन एम एप्सिलॉन नॉट एस। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ गामा प्लेट, ठीक है। तो खतरनाक सॉल्यूशन है यहां पर, ठीक है, लेकिन ठीक है अगर आप डीपली सोचोगे, ठीक है, तो आपको ये चीज क्लिक करेगा, है ना। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन, है ना। इस सवाल का जवाब कंप्लीट हो चुका है, अब हम देखते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो, ठीक है। देखो ध्यान से यहां पर, अब देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहता है, बहुत बड़ा सवाल है ना। तो पहले सवाल को पढ़ते हैं ध्यान से, आओ। देयर इज अनदर यूजफुल सिस्टम ऑफ यूनिट बिसाइड द एसआई या एमकेएस सिस्टम, अ सिस्टम कॉल्ड सीजीएस सिस्टम। वैसे आपको पता होगा, है ना, एक और सिस्टम होता है यूनिट का सीजीएस सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक है। इन दिस सिस्टम कूलम्स लॉ इज गिवन बाय दिस, मतलब सीजीएस सिस्टम में कूलम्स लॉ का एक्सप्रेशन ये होता है। तो आप कहोगे सर यहां पर कॉन्स्टेंट कहां गया, है ना। आप देखो एसआई में क्या था, एफ इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, आपका q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, है ना। तो यहां पर q1 q2 ठीक है, कैपिटल q स्मॉल q दो चार्जेस हैं, लेकिन यहां पर कांस्टेंट नहीं है ना, क्योंकि सीजीएस यूनिट में कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है कि नहीं, इसीलिए यहां पर कांस्टेंट को शो नहीं किया गया है। इज इट क्लियर, ठीक है। तो सीजीएस सिस्टम में कूलम्स लॉ ये होता है। नाउ आगे पढ़ते हैं, हियर द डिस्टेंस आर इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर, सही बात है, जो आर होगा वो सेंटीमीटर में होगा। फोर्स किस में होता है, डाइन में होता है, सीजीएस यूनिट होती है फोर्स की डाइन, है ना, और एक डाइन में 10^-5 न्यूटन होता है, ठीक है। चलो तो वही चीज यहां बताई गई है ना, कि एफ इन डाइन्स इक्वल 10^-5 न्यूटन एंड द चार्जेस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स ईएस यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। मैंने जब क्विक रिविजन दिया था तो मैंने वहां बताया था कि जो चार्ज है उसका एसआई तो होता है कूलम, लेकिन सीजीएस यूनिट होता है आपका स्टैट कूलम। तो स्टैट कूलम बोलो या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलो, बात बराबर ही है, ये दो अलग अलग नाम है ना, लेकिन ये दोनों ही सीजीएस यूनिट होती है, ठीक है। तो अभी उसने बोला कि सीजीएस यूनिट क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, है ना, ईएस यूनिट, ठीक है। चलो
अब ध्यान देना आगे क्या बोल रहा है. वेयर वन ईएस यूनिट मतलब वन इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इक्वल टू 1/3 इंटू 10^-9 कूलम. ठीक है, तो मैंने रिलेशन दिया था आप लोगों को ना, आप देख सकते हैं मैंने आपको रिलेशन दिया था उसमें कि 1 कूलम इक्वल टू 3×10^9 स्टैट कूलम. और यहां पर स्टैट कूलम को बोल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट मतलब ईएसयू बोल दें इसको हम लोग, है कि नहीं. ठीक है, तो यहां से बताओ 1 ईएसयू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 और ये नीचे आके ऊपर चला गया 10^-9 ना, तो वही चीज यहां लिखा हुआ है ना. ठीक है, तो ये रिलेशन है कूलम और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के बीच में. ठीक है, अब देखो ध्यान से, हियर द नंबर 3 एक्चुअली अराइजेस फ्रॉम द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम व्हिच इज नाउ टेकन टू बी एग्जैक्टली गिवन बाय सी इक्वल टू 2.99 दिस 10^8 मीटर पर सेकेंड. मतलब बस ये बोल रहा है कि यहां पर जो 3 आया है वो लाइट के स्पीड से आया है 3, है ना, तो वैसे इसका कोई यूज नहीं है अपने को, है ना, बस बता रहा है कि वैल्यू आई कैसे है. ठीक है, चलो अब देखते हैं यहां पर सवाल क्या बोल रहा है वो. ठीक है, ध्यान देना बस आप लोग यहां पर. पहला सवाल है इसमें, शो दैट कूलम लॉ इन सीजीएस यूनिट यील्ड 1 ईएसयू ऑफ चार्ज इक्वल टू 1/9^1/2 इंटू सेंटीमीटर. मतलब शो करना है अपन को सीजीएस सिस्टम में कि 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज किसके बराबर होगा, 1/9^1/2 इंटू सेंटीमीटर के बराबर. ठीक, मतलब 1 ईएसयू को हमें इसके बराबर प्रूव करना है. ठीक है, एंड ऑब्टेन द डायमेंशन ऑफ यूनिट ऑफ चार्ज इन टर्म्स ऑफ मास m एंड लेंथ l एंड टाइम t. मतलब साथ ही साथ आपको यहां पर डायमेंशन निकालना है उस इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज का इन टर्म्स ऑफ व्हाट, मास लेंथ एंड टाइम. मतलब 1 ईएसयू का हमें यहां पर डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है अपन को. ठीक, नाउ आगे पढ़ लेते हैं. शो दैट इट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शनल पावर्स ऑफ m एंड l. मतलब यहां पर जो भी डायमेंशन आएगा उसमें जो m का पावर है और l का पावर है वो फ्रैक्शन होगा, ये भी शो करना है अपन को. ठीक है, तो पहला पार्ट जो है इसका पहले सॉल्यूशन देख लेते हैं और फिर बात करेंगे अपन सेकेंड पार्ट के लिए. ठीक है, चलो ध्यान देना बस आप लोग यहां पर. हां देखो ध्यान से, तुम ये बताओ जो पहला पार्ट है ए, ए है कि फर्स्ट है, फर्स्ट है. ठीक है, ये रहा आपका फर्स्ट, है ना. चलो यहां पर क्या प्रूव करना है अपन को, तो पहला जो है वो टू प्रूव है दैट इज 1 ईएसयू ऑफ चार्ज मतलब 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू 1/9^1/2 इंटू सेंटीमीटर. ये प्रूव करना है, चलो आप प्रूव कर लेते हैं, बड़ा लड्डू है. देखो ध्यान से आप लोग. हां ये बताओ, देख के यहां पर तुम बताओ, सिंस आपका सीजीएस सिस्टम में कूलम्स लॉ क्या होता है, एफ इक्वल टू क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर. ठीक, अब देखो यहां पर जो चार्जेस हैं वो आपका सीजीएस में है मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में है. मतलब ये भी होगा 1 ईएसयू, ये भी आपका 1 ईएसयू है कि नहीं, और ये आपका 1/9, ये आपका 1 सेंटीमीटर. सब कुछ 1/1/1 रख दिया मैंने यहां पर. ठीक है, सीजीएस में. अब देखो ध्यान से, मैंने इसको बोला 1/9, तो ये 1/9 कब होगा, जब q की वैल्यू 1 ईएसयू होगी, ये भी 1 ईएसयू होगी, हाँ है ना. ठीक, अपॉन में ये आपका 1 सेंटीमीटर होगा उसका स्क्वायर. इज इट क्लियर. ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये 1/9 ये सेंटीमीटर स्क्वायर को ऊपर क्रॉस इंटू करो,
ये 1 ESU × 1 ESU = 1 ESU² ना, 1 ESU² बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर मुझे क्या प्रूव करना है, 1 ESU of charge = this, तो आप क्या करोगे, स्क्वायर ट्रांसफर करोगे। तो जब स्क्वायर ट्रांसफर करोगे तो 1 का रूट होगा, 1 का रूट क्या होता है, 1 ही होता है। चलो भाई, और डाइन की पावर कितनी हो जाएगी, 1/2 भाई, रूट का ऑफ डाइन होगा ना, रूट ऑफ डाइन मतलब पावर 1/2। नाउ सेंटीमीटर स्क्वायर का रूट क्या होगा, सेंटीमीटर। तो ये हो गया ना आपका 1 ESU of charge, ठीक, ये हो गया आपका सिंपल सा प्रूफ, सिंपल, ठीक है। चलो तो यहां पर मैंने पहले क्वेश्चन का एक पार्ट खत्म किया मैंने, ठीक है। अब उसका दूसरा पार्ट क्या था कि 1 ESU of charge का डायमेंशन निकालना है अपन को, है ना। चलो इसका निकालते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, है ना, ध्यान देना बस आप लोग यहां पर, इधर देखो तुम बताओ, अभी हमने क्या निकाला, 1 ESU of charge = what, 1 dyne, तो ये देखो 1 का तो कोई मतलब नहीं है, आप बताओ डाइन को हम लिख सकते हैं क्या, MLT-2 है कि नहीं। चलो एक काम करते हैं, पहले मैं लिख देता हूं जो फॉर्मूला निकाला था मैंने, ये है आपका 1 dyne की पावर 1/2 × सेंटीमीटर, ये अभी मैंने प्रूफ किया था, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 1 का लिखने का मतलब नहीं है डायमेंशन में, आप बताओ डाइन मतलब फोर्स, और फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है आपको याद होना चाहिए, दैट इज MLT-2, तो ये हो जाएगा MLT-2, ठीक है, होल पावर कितना 1/2, और सेंटीमीटर मतलब एल ना, ठीक। तो अब देखो क्या हो जाएगा, ये M की पावर 1/2, L की पावर 1/2, T की पावर -2 की पावर 1/2 मतलब -1, और ये इंटू में L। तो अब देखो M की पावर 1/2, L की पावर 1/2 + 1 = L की पावर 3/2 ना, और ये T की पावर -1, क्लियर है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पर ये हो गया आपका 1 ESU of charge का डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक, क्लियर। मतलब मैंने 1 ESU of charge को एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ ML and T, ठीक। नाउ अब तुम बताओ, यहां पर M का और L का फ्रैक्शनल पावर है कि नहीं, तो उसी में जो थर्ड पार्ट है वो यही बोल रहा था ना कि वहां पर जो पावर ऑफ M है और L है वो फ्रैक्शन होना चाहिए, तो वो है ना यहां पर, तो आप लिख दो यहां पर, ठीक है। देयरफॉर पावर ऑफ M and L is 1/2 and 3/2 respectively, which is the fractional power, ठीक है। Which is the fractional power? Is it clear? ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला पार्ट ओवर, है ना। अब देखते हैं यहां पर उसका सेकेंड पार्ट क्या बोलता है, ठीक है। पहला पार्ट बड़ा सिंपल था, ठीक है। चलो अब देखते हैं अपन यहां पर आगे, यहां पर देखो सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, राइट 1 ESU of charge = x कूलम, है ना। मतलब 1 ESU of charge को अगर आप x कूलम मान लेते हो, ठीक है, x मान लेते हो, वेयर x इज अ डायमेंशनलेस नंबर, मतलब x नंबर है, ठीक है। तो 1 ESU of charge = x कूलम, ठीक। नाउ शो दैट दिस गिव्स 1/4π(ε₀ = 10⁻⁹ / x², मतलब अगर 1 ESU को अगर आप x कूलम मान लेते हो तो 1/4π(ε₀) की वैल्यू इतनी आ जाएगी, ये प्रूफ करो।
मतलब एसआई में कार्यक्रम करना है ना अपन को यहां पर, है ना, एसआई में यहां पर सॉल्यूशन करना है अपन को, ठीक है। चलो, मतलब ये बोल रहा है कि वन ईएसयू ऑफ चार्ज अगर एक्स कूलम है तो 1/4π ε0 की वैल्यू 10⁻⁹ होगी, ये प्रूव करो, ठीक है। फिर आगे क्या बोलता है, विथ x इक्वल टू 1/3 × 10⁻¹, मतलब अगर हम वहां पर x की वैल्यू ये लेते हैं, देन वी हैव दिस वैल्यू इक्वल टू दिस, मतलब यहां पर अगर हम x की वैल्यू ये पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी, है कि नहीं, ठीक है, क्लियर है कहानी आपको यहां पर। नाउ, या फिर 1/10 की वैल्यू 2.9999 समथिंग का होल स्क्वायर इनटू 10⁹ होगी। देखो, अगर हम इसमें x की वैल्यू ये डालते हैं तो इसकी वैल्यू या तो ये होगी, है ना, या फिर उसकी वैल्यू ये होगी, तो कुछ नहीं है। तुम ये बताओ, क्वेश्चन में लिखा था ना कि जो 3 है वो अराइज हुआ है फ्रॉम स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट जो है आपका वो होता है 3 × 10⁸, लेकिन एक्चुअली में वहां पर 3 नहीं होता, वो क्या होता है 2.999 समथिंग। देखो यहां से, यहां पर ये देखो, यहां पर जो c है वो कितना है 2.997925 2458 10⁸, मतलब जो 3 है उसको हम 2.99 मतलब ये वैल्यू लिख सकते हैं ना हम लोग, है कि नहीं, ठीक है। इसका मतलब, इसका मतलब यहां पर देखो ध्यान से कि 1/4π ε0 की वैल्यू या तो ये आएगी या तो ये आएगी, है ना, तो कुछ नहीं है, x की वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे, है ना, तो अपने आप सॉल्व होकर के ये आएगा, और इस 3 को हम ये भी लिख सकते हैं, तो आपका ये भी प्रूव हो जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। चलो, तो ये है आपका सेकंड पार्ट का, ये सेकंड पार्ट का क्वेश्चन है, है ना। अब मैं इसको प्रूव करता हूं कि अगर 1 ESU ऑफ चार्ज अगर x कूलम है, ठीक है, तो ये चीज कैसे आएगी। चलो पहले ये प्रूव करते हैं, आओ ध्यान देखना। देखो सेकेंड पार्ट, तुम बताओ यहां पर, सिंस 1 ESU ऑफ चार्ज इज इक्वल टू कितना है, x कूलम है, ठीक। अब अपन को यहां पर SI में कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। चलो, तो आप बताओ SI में कूलम्स लॉ क्या होता है, F = 1/4π ε0, यहां पर क्या होगा, Q Q/r², ठीक। चलो अब बताओ यहां पर फोर्स की वैल्यू कितनी है, आपकी है 1 Dyne, तो 1 Dyne को SI में क्या लिखोगे, 10⁻⁵ N ना भैया, फोर्स की वैल्यू यहां पर 1 Dyne थी आपका CGS में, अब उसको लिखना है SI में, तो आप F की वैल्यू क्या लिखोगे, 10⁻⁵ N, ठीक है, इक्वल टू 1/4π ε0। आप बताओ ये दोनों चार्ज x कूलम है ना, तो आप बताओ ये हो जाएगा x × x/, जो r है डिस्टेंस वो 1 cm है ना, अब 1 cm को SI में क्या लिखोगे तुम, तो आप लिखोगे 10⁻²⁰ m उसका स्क्वायर। भाई 1 cm इक्वल टू कितना होता है, 10⁻²⁰ m, ठीक। अब देखो ध्यान से, यहां पर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो सबको शिफ्ट करो यहां पर, 10⁻⁵, ये 10⁻⁴ है, मल्टीप्लाई हो गया 10⁻⁴, ये x² नीचे आ गया, इक्वल टू 1/4π ε0, इज इट क्लियर, ठीक है। तो अब बताओ 1/4π ε0 की वैल्यू आएगी ना 10⁻⁹ × x², इज इट क्लियर, ठीक। मतलब 1 ESU ऑफ चार्ज को अगर आपने x कूलम लिया है, तो मैंने 1/4π ε0 की वैल्यू
10 की पावर माइनस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्रूव कर दिया मैंने, यही बोला था प्रूव करने के लिए, ठीक है। फिर क्या बोला था उसने कि अगर x की वैल्यू 1/3 इंटू 10 की पावर माइनस 9 है, ठीक है, तो आप वैल्यू बताओ किसका, 1/4π ε0 की। देखो ध्यान से सुनो, अगला सवाल क्या है उसी के अंदर कि पहले मैंने ये प्रूव कर दिया, अब वो बोल रहा है कि अगर x की वैल्यू हम ये पुट करते हैं ये इसमें, तो फिर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3² × 10⁻⁹ आएगी, ठीक है। चलो x पुट करते हैं इसके अंदर, आओ देखो यहां से, मैं यहां पर x की जगह पर वैल्यू पुट कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान देना। सिंस x इक्वल टू कितना दिया हुआ है x की वैल्यू, देख लो यहां पर है 1/3 × 10⁻⁹, ठीक है, 1/3 × 10⁻⁹, ये x की वैल्यू जरा इसमें पुट करो तो क्या आएगा, 1/4π ε0 = 10⁻⁹ एज इट इज, और x का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, मतलब 1/3 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁹ का स्क्वायर, है कि नहीं भाई, x का स्क्वायर मतलब इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, ठीक। अब देखो ध्यान से, ये 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, लेकिन तुम 9 मत करो क्योंकि मुझे 3 का स्क्वायर शो कराना है, तो आप 3 का स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, ठीक, 10⁻⁹ नीचे आएगा 10⁻⁸, तो ये देखो 1/4π ε0 की वैल्यू आएगी 3² × 10⁻⁹ + 9 + 18 + 9 ना, ठीक, तो ये वैल्यू आ गई 1/4π ε0 की वैल्यू, ठीक है ना। या फिर और ये जो 3 है ये एक्चुअली में सी से आया है ना, स्पीड ऑफ लाइट से आया है ना, तो वहां पर जो 3 है वो 3 नहीं होता, क्या होता है, 2.99 समथिंग, है कि नहीं, तो यहां पर आप और करके बोल सकते हो ना, 1/4π ε0 = इस 3 को तुम क्या लिख सकते हो, 2.99, और क्या लिखा हुआ है यहां पर देख लो, कॉपी करना है बस अपन को, 2.997924587 का स्क्वायर, ठीक है भैया, 3 को हम ये भी लिख सकते हैं इंटू 10⁻⁹, इज इट क्लियर, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था ये, है ना, कि अगर यहां पर हम 1 ESU को x कूलम मान लें, तो 1/4π ε0 की वैल्यू 10⁻⁹ ε0 प्रूव करो, कर दिया मैंने। और अगर x की वैल्यू 1/3 × 10⁻⁹ है, तो 1/4π ε0 की वैल्यू कितनी प्रूव करनी है आपको, 3² × 10⁹ प्रूव करनी है, वो भी प्रूव कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है, इज इट क्लियर। नाउ चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है। नेक्स्ट मतलब आखिरी के जो दो क्वेश्चन है ना, वो बहुत अच्छे हैं, आपके कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छे सवाल है वो, ठीक है, चलो उसमें मजा आएगा करने में काम अपन को, ध्यान देना। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहता है, बड़ा अच्छा सवाल है, ठीक है, है ना, और ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, ध्यान देना आप लोग। टू चार्जेस माइनस क्यू ईच आर फिक्स्ड सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2d, दो चार्जेस हैं, दोनों की वैल्यू माइनस क्यू है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2d है, ठीक है। चलो, अ थर्ड चार्ज क्यू ऑफ मास m प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली बाय x, देखो एक और चार्ज है, मतलब तीसरा चार्ज है स्मॉल q, है ना, उसका मास है m, उसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया गया है, ठीक है, बाय अमाउंट x, है ना, परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द टू फिक्स्ड चार्ज एज शोन इन फिगर। देखो ध्यान से, ये देखो
ये आपके दो चार्जेस हैं माइनस क्यू ये दोनों फिक्स चार्जेस हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 2d है, ठीक है। इसके मिड पॉइंट पर एक और चार्ज है क्यू, है ना, स्मॉल क्यू, उसका मास कितना है स्मॉल m, उसको डिस्प्लेस किया है बहुत ही स्मॉल अमाउंट से, दैट इज बाय x, परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द टू फिक्स चार्जेस, परपेंडिकुलरली उसको मूव किया गया है, ठीक। नाउ अब देखो आगे क्या बोल रहा है वो, शो दैट q विल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन ऑफ टाइम पीरियड दिस, तो शो करो वो जो आपका स्मॉल q चार्ज है इसका मास m है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा जिसका टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, है कि नहीं। चलो तो अपन यहां पर निकालते हैं इसका टाइम पीरियड, पहले तो ये प्रूव करना है कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा कि नहीं, ठीक है। और वहां पर अगर आपने प्रूव कर दिया कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा तो उसका टाइम पीरियड भी आपको ये प्रूव करना है, ठीक। चलो अब करते हैं अपन यहां पर, ध्यान देना मैं इस डायग्राम को दोबारा बनाता हूं। देखो ये आपका दो चार्ज है, ये आपका माइनस क्यू, ये आपका माइनस क्यू, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 2d है, इसका मिड पॉइंट ये है, यहां से आपने डिस्प्लेस कराया एक चार्ज को जिसकी वैल्यू है स्मॉल q, ठीक है। ये x है, है ना, ओके। अब आपके डायग्राम में गिवन है कि ये जो आपका एंगल है वो कितना है थीटा है, ठीक है। चलो अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, आपको अगर ये प्रूव करना है कि वो जो आपका चार्ज है स्मॉल q वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा तो उसके लिए आपको क्या जस्टिफाई करना होगा मालूम, आपको एक ऐसा एक्सप्रेशन लाना होगा जिसमें आपको दिखे कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है। अगर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, तो वहां पर हम कहेंगे कि वो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। इज इट क्लियर, ठीक है। तो ये आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि कहीं पर भी अगर आपको प्रूव करना हो कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा कि नहीं तो उसके लिए आपको प्रूव करना होता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं, ठीक है। चलो ध्यान देना मैं यहां पर प्रूव करूंगा, तुम पहले यह बताओ इस चार्ज के ऊपर इसका लगेगा फोर्स अट्रैक्टिव फॉर्म में, ठीक है। मान लो ये फोर्स कितना है एफ है कि नहीं, ठीक है। एक काम करो इसको मान लो, चलो ठीक है अभी एफ ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, देखेंगे बाद में। अब बताओ अगर ये इसको एफ फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है तो ये भी इसको एफ फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, है कि नहीं, बिकॉज डिस्टेंस भी सेम है और चार्ज की वैल्यू भी सेम है, तो ठीक है। मतलब दोनों चार्जेस इन इस चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहेंगे विथ फोर्स एफ, ठीक है। अब देखो ध्यान से हम क्या करेंगे, इस फोर्स का रेजोल्यूशन करेंगे। देखो ध्यान से, ये आपका मान लो ये आपका एफ है तो एफ का वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, दिस इज एफ कॉस थीटा, ठीक, और ये वाला क्या होगा एफ साइन थीटा, है ना। इस वाले फोर्स का भी रेजोल्यूशन करेंगे तो वर्टिकल के अलोंग क्या होगा एफ कॉस थीटा और हॉरिजॉन्टल के अलोंग क्या होगा एफ साइन थीटा। आप बताओ इन दोनों के फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये आपस में कैंसल आउट हो गए ना, तो यहां पर आप क्या बोलोगे कि सिंस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इंडिविजुअल फोर्स आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन देयरफॉर इट गेट कैंसल आउट विद ईच अदर, है कि नहीं, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या बोला कि सिंस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इंडिविजुअल फोर्स
इंडिविजुअल फोर्स आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन therefore it get cancel out with each other. ठीक, चलो तो यहां पर f sin थीटा तो आपस में कैंसल आउट हो गए, मतलब इन दोनों का सिर्फ वर्टिकल वाला जो कंपोनेंट है वही इसके ऊपर एक्ट होगा ना, है ना, मतलब ये f cos थीटा और f cos थीटा ऐड हो जाएंगे, मतलब यहां पर इन दोनों का जो नेट फोर्स होगा वो बिल्कुल वर्टिकल होगा ना, परपेंडिकुलरली, मतलब यही दोनों फोर्स जिम्मेदार होंगे इस चार्ज को नीचे की तरफ लाने के लिए, है कि नहीं। ठीक है, तो यहां पर बताओ नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स को अपन एफ डैश मान लेते हैं। ठीक, तो अब देखो नेट फोर्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा प्लस एफ कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो यहां पर ध्यान से, ये हो जाएगा आपका टू एफ कॉस थीटा, इज इट क्लियर, ठीक है ना। चलो अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, यहां पर देखो इसको आप अभी होल्ड पे डालो, है ना। अब ये बताओ यहां पर जो f है वो f क्या है, इसका फोर्स इसके ऊपर इस डायरेक्शन में, तो आप बताओ f की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, तो उसके लिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मालूम होना चाहिए। तो आप बताओ ये x है, ये आपका d होगा कि नहीं होगा, तो ये जो आपका हाइपोटेन्यूस है इसको लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये वाला भी वही होगा ना, अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक, अब बताओ इस एफ की वैल्यू क्या होगी कूलम्स लॉ से, देखो ध्यान से यहां पर, आप बताओ सिंस एफ इज इक्वल टू क्या होगा आपका यहां पर, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर q1 भी q है q2 भी q है, तो ये हो जाएगा q स्क्वायर, हम यहां पर मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो इसका साइन नेगेटिव नहीं लेंगे हम लोग। ठीक है, चलो अपॉन में क्या होगा, डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब अंडर रूट ऑफ d स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर बताओ f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां देखो ध्यान से, तो आप बताओ f की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q स्क्वायर अपॉन ये रूट का स्क्वायर, तो यहां पर रूट कैंसिल आउट ना, तो ये हो गया आपका d स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक, दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स f, तो मैं क्या करूंगा इस f की वैल्यू को इसमें पुट कर दूंगा मैं, है ना। ठीक है, तो यहां पर नेट फोर्स कितनी आएगी, देखो ध्यान से, फ्रॉम वन f डैश इक्वल टू टू टाइम्स f, f मतलब ये वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब बताओ कॉस थीटा की वैल्यू तुम निकाल सकते हो ना इस डायग्राम से, बताओ कितना होगा, तो कॉस थीटा होगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो कॉस थीटा की वैल्यू भी पुट कर देता हूं मैं, एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर। ठीक, चलो अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग यहां पर। ठीक है, ये देखो ये कैंसिल कर दो, टू हो जाएगा ये, है ना। तो अब देखना ध्यान से यहां पर, f डैश इक्वल टू, ठीक है, कितना होगा आपका यहां पर, वन अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर। अब तुम देखो जरा यहां पर d स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू रूट ऑफ d स्क्वायर प्लस x स्क्वायर,
मतलब इसका पावर वन और इसका पावर वन बाय टू, तो होल पावर कितना हो गया थ्री बाय टू, वन प्लस वन बाय टू इज थ्री बाय टू। ठीक है, तो देखो ध्यान से यहां पर ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर थ्री बाय टू, और ये ऊपर का एक्स एज इट इज है ना। चलो अब तुम यहां पर देख लो ध्यान से, तुम बताओ यहां पर क्यू कॉन्स्टेंट है, ये भी कॉन्स्टेंट है, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहां पर ये एक्स वेरिएबल है ना, ठीक है। आप बताओ यहां पर उसने कहा है ना कि जो स्लाइटली डिस्प्लेस किया है एक्स अमाउंट से परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग, वो एक्स बहुत छोटा है ना। तुम जरा क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में देखो, यहां पर ये देखो लिखा हुआ है एक्स इज मच लेस देन डी, तो एक्स की वैल्यू बहुत कम है ना उस डी से, तो हम क्या कर सकते हैं एक्स को इग्नोर कर सकते हैं ना एज कंपेयर टू डी। इज इट क्लियर? कोई भी चीज अगर बहुत छोटी होती है तो उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं ना किसी के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ध्यान देना आप लोग यहां पर, देखो ध्यान से, हम कहेंगे सिंस एक्स इज मच मच लेस देन डी, तो हम इस एक्स को इग्नोर कर सकते हैं एज कंपेयर टू डी। तो तुम बोलोगे सर इसको अगर इग्नोर कर देंगे तो ये फोर जीरो हो जाएगा। नहीं, मैंने कहा एक्स को इग्नोर करना है एज कंपेयर टू डी, मतलब ये वाला एक्स इग्नोर होगा क्योंकि यहां पर डी स्क्वायर के कंपैरिजन में है ये, तो ये वाला एक्स को आप इग्नोर करोगे, ठीक है। तो देखो यहां से, यहां पर आपका एफ डैश हो जाएगा वन अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन, ये इग्नोर हो गया खत्म जीरो। तो आप बताओ डी स्क्वायर की पावर थ्री बाय टू, यहां पर आपका ये कैंसिल हो गया, तो आप बताओ ये एक्सप्रेशन क्या आ गया, अच्छा ये एक्स एज इट इज है, तो आप बताओ वन अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय डी क्यू, और ये आपका एक्स एज इट इज ना, दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स। इज इट क्लियर? ठीक है, मतलब इतना फोर्स लग रहा है उस चार्ज q के ऊपर जिसकी वजह से वो नीचे की तरफ जाएगा, है कि नहीं। ठीक है, अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, यहां पर ये देखो ध्यान से, ये देखो डायग्राम में, तुम बताओ इन दोनों की वजह से जो नेट फोर्स है वो इसी के लॉन्ग है ना, ठीक है, तो इस चार्ज को ऐसे डिस्प्लेस कराएगा, है कि नहीं, एंड ड्यू टू इनर्शिया वो थोड़ा आगे निकल जाएगा, और जैसे ही आगे निकलेगा मान लो इस पॉइंट तक आ गया वो, फिर से इसके ऊपर फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, फिर इन दोनों की वजह से फिर से आपका फोर्स होगा वर्टिकली अपवर्ड, हाँ है ना। तो ये देखो ये आपका पार्टिकल है, इसके ऊपर नेट फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फिर जैसी वो मीन पोजिशन पे आएगा मतलब मिड पॉइंट पे आएगा ड्यू टू इनर्शिया वो आगे निकल जाएगा, फिर से इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा जिसका रिजल्टेंट होगा वर्टिकली अपवर्ड, तो फिर से वो चार्ज ऊपर आएगा, ऐसे करके वो यहां पर ऑसिलेशन करेगा ना, है कि नहीं। ठीक है, अब हमें ये प्रूव करना है कि ये ऑसिलेशन आपका सिंपल हार्मोनिक है कि नहीं है। तो हमें, मैंने क्या बताया था आपको कि अगर आपको यह प्रूव करना हो कि वह सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं, तो आपको क्या करना होगा, फोर्स इक्वल टू, ठीक है, समथिंग इनटू एक्स लाना होगा, मतलब आपको यह प्रूव करना होगा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, चलो मैं यह प्रूव करता हूं, देखो ध्यान से, यहां पर आप बताओ ये जो एक्सप्रेशन है इसमें ये कांस्टेंट है, क्यू स्क्वायर कांस्टेंट है, डी कांस्टेंट है, मतलब यह पूरा कांस्टेंट है कि नहीं, है कि नहीं। ठीक है, तो तुम बताओ ये पूरा कांस्टेंट है तो आपका फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है कि नहीं, है ना। तो यहां पर आप क्या बोलोगे, देयरफॉर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, देयरफॉर चार्ज क्यू एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है,
तो यहां पर आपने फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट प्रूव कर दिया, मतलब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। और अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा ये अपन को बताना है, है ना। चलो बताते हैं कैसे होगा ये, ध्यान देना। एक काम करो, ये जो आपका फोर्स है इस फोर्स से तुम एक्सेलरेशन निकाल लो, ठीक है। कैसे, ध्यान देना। तो बताओ इस एफ डैश को क्या मैं लिख सकता हूं, एम ए इज इक्वल टू 1/2 pi एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन डी क्यू इंटू एक्स, है कि नहीं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पर ए की वैल्यू एम को शिफ्ट कर दो तो 1/2 pi एप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन डी क्यूब इंटू एम और इंटू एक्स, ठीक। तो मैंने यहां पर एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन निकाल लिया मैंने फोर्स को लेकर के एम इंटू ए से, ठीक है। अब देखो इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 2, है ना। अब मेरी बात को सुनना, जो एक्सेलरेशन होता है पार्टिकल विच एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स होता है ना। हाँ ठीक है, यहां पर माइनस साइन होता था, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता था, लेकिन अभी हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, ए होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है, किसका, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है, है ना। तो अब बताओ इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 3, ठीक। तो आप बताओ यहां पर कंपैरिजन करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये होगी कि नहीं, ये देखो ध्यान से, ठीक। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू दिस बाय कंपैरिजन, है ना, ठीक है। तो कंपेयर करते हैं हम लोग, यहां पर देखो ध्यान से, फ्रॉम 2 and 3 यहां पर मैं बोलूंगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, क्या है वहां पर 1/2 pi एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय डी क्यूब इंटू एम। एक बार चेक कर लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू दिस क्यू स्क्वायर अपॉन डी क्यूब इंटू एम, बिल्कुल सही है, क्लियर। नाउ अब देखो ध्यान से, यहां पर क्या करोगे तुम लोग, ओमेगा स्क्वायर का जो स्क्वायर है वो ट्रांसफर करो, ठीक है, या फिर एक काम ये भी कर सकते हो तुम लोग, ओमेगा को क्या लिख सकते हो 2 pi/t उसका स्क्वायर, ओमेगा को लिख सकते हैं 2 pi/t, है ना, ये फॉर्मूला होता है। चलो इक्वल टू 1/2 pi एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन डी क्यूब इंटू एम, है कि नहीं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पर ये हो जाएगा 2 pi का स्क्वायर 4 pi square, ठीक है, अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2 pi एप्सिलॉन नॉट इंटू डी क्यूब इंटू एम, ठीक। अब यहां पर टी स्क्वायर को ऊपर करो, इनको ऊपर, इसको नीचे, चलो तो यहां पर रीअरेंज करते हैं, आओ ये हो जाएगा 8 pi cube फिर एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब इंटू एम अपॉन क्यू स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, टी स्क्वायर, ठीक। तो अब क्या करोगे, यहां पर इस टी का स्क्वायर ट्रांसफर करोगे तो रूट लग जाएगा, यहां पर रूट लग जाएगा, मतलब पावर 1/2 हो जाएगा। तो आप बताओ एक बार देख लेते हैं टाइम पीरियड का कैसा एक्सप्रेशन प्रूव करने के लिए बोला है। देखो पूरे के होल पावर में क्या है, 1/2 है, ठीक है, ध्यान दो। इस टी का स्क्वायर पूरा शिफ्ट करो तो 8 pi cube एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब एम अपॉन क्यू स्क्वायर होल पावर 1/2। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड, है ना। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, हम लोग यही प्रूव करना था। यस, 8 pi cube एप्सिलॉन नॉट एम डी क्यूब अपॉन क्यू स्क्वायर की पावर 1/2, यही एक्सप्रेशन है ना, ठीक। तो ये अच्छा सवाल है,
है ना, रेलेवेंट क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है, एग्जाम में पॉसिबिलिटीज है आने की, इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये था आपका सिंपल क्वेश्चन। अब हम लोग यहां पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लॉन्ग आंसर टाइप। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हम लोग यहां पर। अब देखो लास्ट क्वेश्चन 31 में क्या कहता है वो ध्यान देना। टोटल चार्ज माइनस क्यू इज यूनिफॉर्मली स्प्रेड अलोंग लेंथ ऑफ अ रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल आर। ठीक है, एक आपका रिंग है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, उसके सर्कमफेरेंस पर माइनस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, चलो, अ स्मॉल टेस्ट चार्ज प्लस क्यू ऑफ मास स्मॉल m इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ रिंग, है ना, एक और चार्ज है प्लस क्यू अमाउंट का, ठीक है, उसको रखा है सेंटर पे, है ना, उसका मास है m। नाउ एंड इज गिवन अ जेंटल पुश अलोंग द एक्सिस ऑफ रिंग। ठीक है, मान लो ये रिंग है, ये उसका एक्सिस है, ठीक, अब सेंटर पे रखा हुआ है वो क्यू चार्ज, है ना, ऑफ मास m, उसको जेंटली हमने क्या किया, पुश किया अलोंग द एक्सिस। ठीक है, नाउ शो दैट द पार्टिकल एग्जीक्यूट अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। मतलब जैसे ही हमने उस चार्ज को डिस्प्लेस किया अलोंग द एक्सिस, पुश किया जेंटली, और जैसे ही छोड़ा तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लगा, ऐसा शो करना है अपन को, है ना, मतलब प्रूव करना है कि जैसे ही आप उसको पुश करके छोड़ोगे वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। मतलब यहां पर भी मुझे प्रूव करना होगा फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं, और यहां पर आपने प्रूव कर दिया कि ये SHM है तो उसका टाइम पीरियड भी आपको कैलकुलेट करना है, ऑब्टेन इट्स टाइम पीरियड, है ना, तो अच्छा सवाल है ये भी, है ना, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन मजा आएगा, है ना, ध्यान देना। देखो आप ये बताओ, थोड़ा सा मैं 3D व्यू दे रहा हूं, ये देखो ये है आपका रिंग, ठीक है, मैंने रिंग ये 3D व्यू दिया मैंने, तो ऐसा है ये रिंग, रिंग ऐसा है, ठीक है, है ना, नॉट दिस, ठीक है, रिंग कैसा है ऐसा, तो उसका साइड व्यू ऐसे ही आएगा, ठीक है। चलो अब ध्यान देना, ये उसका एक्सेस होगा, ये उसका एक्सेस होगा, ठीक है, थोड़ा सा यहां पर मैं हां, ये उसका एक्सेस है, ठीक है, जो रिंग के सेंटर से पास हो रहा है। नाउ अब देखो यहां पर इस रिंग के सर्कमफेरेंस पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, टोटल माइनस क्यू, तो ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, माइनस क्यू अमाउंट का, मतलब पूरे सर्कमफेरेंस पे जो टोटल चार्ज है ना वो कितना है, माइनस क्यू है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, वो ये बोल रहा है कि सेंटर पे हमने एक चार्ज को रखा प्लस क्यू और उसको जेंटली पुश किया अलोंग द एक्सिस ऑफ रिंग, ठीक, मतलब इसको मान लो डिस्प्लेस यहां पर यहां तक कर दिया उसने, मान लो, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, यहां पर ये कितना होगा आपका, मान लो एक्स अमाउंट से इसको डिस्प्लेस कर दिया उसने, और जैसे ही छोड़ा है ना, ये वाला जो चार्ज है, जो पार्टिकल है, वो ऐसा मूव होकर के SHM करने लगा, ऐसा शो करो, ठीक। चलो इसका मतलब यहां पर जैसे ही इसको हम यहां छोड़ेंगे, इस रिंग की वजह से जो इस पे नेट फोर्स होना चाहिए वो अलोंग द एक्सिस और टुवर्ड द सेंटर होना चाहिए, ठीक है, है ना, तभी वहां पर वो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा और ऐसे जा करके यहां पर आएगा, फिर से ऐसा फोर्स लगेगा तो SHM करने लगेगा, है ना, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि इस
पर्टिकुलर चार्ज पर, जब ये चार्ज यहां पर आ गया है ना, तो इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा और किस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा मालूम, यहां पर डायरेक्टली आप इस चार्ज के ऊपर रिंग की वजह से फोर्स नहीं निकाल सकते, है ना। तो पहले आपको क्या करना होगा, इस पॉइंट से पी, इस पॉइंट पी पर इस रिंग की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पहले वो कैलकुलेट करो, ठीक है। चलो तो उसके लिए हम लोग यहां पर मेथड यूज करेंगे इंटीग्रेशन का, है ना। ध्यान देना बस आप लोग, देखो थोड़ा सा मैं अलग कलर से शो कर रहा हूं, है ना, ध्यान देना। आप क्या करो, इस रिंग का एक एलिमेंट्री पोर्शन लो, यहां पर बहुत ही छोटा पोर्शन लिया आपने रिंग का, ठीक है, ऑफ लेंथ डी वाई मान लो, है ना, क्योंकि यहां पर हमने एक्स लिया हुआ है, तो यहां पर हम क्या मान लेते हैं, इसका लेंथ कितना मान लेते हैं, डी वाई मान लेते हैं, ठीक है। तो आप बताओ इसका लेंथ कितना मान लिया आपने, डी वाई मान लिया, और इस एलिमेंट्री पोर्शन पे जो आपका चार्ज है वो भी बहुत छोटा होगा, मान लिया वो कितना है, डी क्यू है, ठीक है। चलो तो इस पे चार्ज कितना है, डी क्यू, क्लियर, ठीक है। नाउ तो मैं इसको लिखता हूं यहां पर, देखो यहां से, कंसिडर एन एलिमेंट्री पोर्शन ठीक है, एलिमेंट्री पोर्शन डी वाई ऑफ चार्ज डी क्यू, ठीक। चलो अब देखो, मतलब ये जो आपका एलिमेंट्री पोर्शन है, ये जो आपका एलिमेंट्री पोर्शन है, इसका चार्ज डी क्यू है, तो इस चार्ज डी क्यू की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, तो आप बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा ना, इनवर्ड डायरेक्शन में, बोलो हाँ, है ना, क्योंकि ये डी क्यू क्या है, नेगेटिव है, और नेगेटिव का जो फील होता है किसी पॉइंट पे वो इनवर्ड डायरेक्शन में होता है ना, ओके। लेकिन ये जो फील्ड है इनवर्ड डायरेक्शन में, वो सिर्फ डी क्यू की वजह से आपका है चार्ज, सॉरी फील्ड है, तो ये जो फील्ड होगा वो डीई होगा ना, है कि नहीं, ठीक है। मैंने कहा कि पूरे रिंग की वजह से उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा, ठीक है, तो उसके एलिमेंट्री पोर्शन की वजह से जो फील्ड होगा वहां पर वो डीई होगा, बहुत कम होगा, ठीक है। चलो अब बताओ, देखो ध्यान से, इसके ठीक डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पर आप एक और एलिमेंट्री पोर्शन मान लो, ठीक है, ऑफ सेम लेंथ डी वाई, है ना, एंड चार्ज डी क्यू, ठीक, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ऑफ वैल्यू डीई, है कि नहीं, ठीक है। अब ध्यान देना बस यहां पर, इधर देखना, अब बताओ यहां पर मान लो ये थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा, ठीक। तो आप बताओ देख के, ये जो आपका डीई है इसको रिजॉल्व करोगे, वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, है ना, तो आप बताओ वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, डीई साइन थीटा, और इसका हॉरिजॉन्टल कितना होगा, ये होगा आपका डीई कॉस थीटा। सिमिलरली इस वाले डीई का भी क्या होगा, यहां पर ये आपका डीई साइन थीटा, और इसका हॉरिजॉन्टल क्या होगा, डीई कॉस थीटा। मतलब मेरी बात को सुनना ध्यान से, यहां पर दो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उस पॉइंट पी पर उसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन उन दोनों का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो अलोंग द एक्सिस है ना, एक ही डायरेक्शन में है, और वो ऐड हो जाएंगे। इसका मतलब जितने भी डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स होंगे
सबका जो फील्ड होगा उस पॉइंट पी पर उसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। मतलब सबका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वही ऐड होगा, मतलब जितने भी वहां पर एलिमेंट्री पोर्शन होंगे सर्कमफेरेंस पर, ठीक है, सबका जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो ऐड होगा ना, ठीक है। और तुम बताओ यहां पर ऐसे एलिमेंट्री पोर्शन dy बहुत सारे होंगे ना, बहुत सारे होंगे एलिमेंट्री पोर्शन, ठीक है, तो सभी का सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड होगा ना, है कि नहीं। थोड़ा दिमाग लगेगा इसको सॉल्व करने में, ठीक है। तो यहां पर मेरी बात को सुनना ध्यान से, इधर देखो, हम यहां पर क्या बोलेंगे, सिंस वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट्री पोर्शन गेट कैंसल आउट विथ ईच अदर, है कि नहीं, ठीक है। देयरफोर मतलब यहां पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो सभी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से मिलेगी ना, यहां पर, है ना। तो आप बताओ यहां पर जो नेट फील्ड होगी, देयरफोर जो नेट फील्ड होगी वो इंटीग्रेशन ऑफ डीई कॉस थीटा से मिलेगी, है कि नहीं। मतलब जितने भी आपके एलिमेंट्री पोर्शन होंगे सभी का डीई कॉस थीटा एक ही डायरेक्शन में होगा, दैट इज टुवर्ड द सेंटर। तुम देखो इस वाले एलिमेंट्री पोर्शन का डीई कॉस थीटा क्या है, टुवर्ड सेंटर, इसका भी क्या है, टुवर्ड सेंटर। ऐसे बहुत सारे होंगे ना एलिमेंट्री पोर्शन इसमें पूरे सर्कमफेरेंस में, तो सभी का डीई कॉस थीटा इनवर्ड होगा, है कि नहीं, ठीक है। तो आप बताओ मतलब उस डीई कॉस थीटा का समेशन करना होगा हमें, मतलब इंटीग्रेशन करना होगा, इज इट क्लियर, ठीक है। अब बताओ यहां पर ये जो डीई है, इस डीई की वैल्यू कितनी होगी, तो मेरी बात को सुनना, डीई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट्री पोर्शन एट दिस पॉइंट पी, ठीक है। तो आप बताओ मतलब यहां से लेके यहां तक का मुझे डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तो आप बताओ ये रेडियस कितना है, आर है, ये डिस्टेंस मैंने एक्स माना हुआ है, तो ये कितना होगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ना, ठीक है। तो आप बताओ डीई की वैल्यू क्या होगी, आपका फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, के इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर, तो यहां पर के इंटू क्यू, क्यू कितना है यहां पर, डी क्यू है, एलिमेंट्री पोर्शन का चार्ज कितना माना आपने, डी क्यू, तो के इंटू डी क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, और डिस्टेंस कितना है, इतना रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर देखो ध्यान से, इधर देखो, जो डीई होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, तो ये होगा आपका के, के मतलब वही 1/4πε0 इंटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर, और डिस्टेंस कितना है, वो हाइपोटेन्यूस, तो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। तो यहां पर आपका स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, तो आप बताओ डीई की वैल्यू कितनी हो गई यहां पर, 1/4πε0 इंटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। नाउ अब सुनो, मैं इस डी क्यू को रिप्लेस करना चाह रहा हूं इन टर्म्स ऑफ कैपिटल क्यू, टोटल चार्ज के टर्म्स में कन्वर्ट करना चाहूंगा, ठीक है। तो ध्यान देना, सिंपल सा यूनिटरी मेथड लगेगा। देखो तुम बताओ
पूरे सर्कमफेरेंस पे चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू, तो उस एलिमेंट्री पोर्शन का चार्ज कितना होगा निकाल सकते हो क्या? कैपिटल क्यू को डिवाइड करो सर्कमफेरेंस से और फिर उस डीवाई से मल्टीप्लाई कर दो। आप बताओ, तुम ये बताओ, इसको जरा होल्ड पे डालो, ठीक है, तुम ये बताओ टोटल चार्ज कितना होगा क्यू, उसको अगर सर्कमफेरेंस से डिवाइड कर दोगे 2 पाई आर से तो मिलेगा चार्ज पर यूनिट लेंथ, और उसको अगर डीवाई से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उस छोटे से लेंथ का चार्ज मिल जाएगा ना मुझे, और उस छोटे से लेंथ का जो चार्ज है उसी को हमने क्या बोला हुआ है, डी क्यू, है कि नहीं? ठीक है, तो डी क्यू की वैल्यू ये हो गई ना, यहां पर पुट कर दे, ठीक है। चलो तो यहां पर ध्यान देना, देयरफोर डी ई इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4πε0 डी क्यू की वैल्यू ये, तो कितना होगा आपके पास क्यू अपॉन 2πr इंटू डी वाई, और ये अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर चल रहा है, ठीक। तो ये हो गई हमारी डी की वैल्यू। अब बताओ हमारा नेट फील्ड कितना था, नेट फील्ड था हमारे पास ई इज इक्वल टू, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डीई कॉस थीटा, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, डी की वैल्यू पुट करेंगे ये वाली, ठीक है, चलो पुट करते हैं। देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन ऑफ डीई की वैल्यू कितनी है, 1/4πε0 क्यू बाय 2πr इंटू डी वाई इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ठीक। चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर इधर देखो, यहां पर जो कॉन्स्टेंट उसको बाहर ले लो, 1/4πε0 2πr, ठीक है, ये आपका q, इसको भी बाहर ले लो। नाउ अब बताओ इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन, ठीक है, ध्यान देना बस यहां पर dy अपॉन। अब ये बताओ, ये जो r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है ये भी तो कांस्टेंट है ना, आप बताओ x डिस्टेंस पे मुझे क्या निकाली इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपका वो डिस्टेंस फिक्स है, तो आपका x भी कांस्टेंट है, मतलब ये भी पूरा कांस्टेंट है, इसको भी बाहर ले सकते हो आप, ठीक है। तो मैं उसको ही बाहर ले लेता हूं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। अब बताओ इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इंटू कॉस थीटा, ठीक। अब देखो कॉस थीटा की वैल्यू भी निकाल लेता हूं मैं, तो बताओ क्या होगी कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा होगा एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ दिस ना, है कि नहीं, ठीक है। तो यहां पर x अपॉन अंडर रूट ऑफ दिस होगा cos थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। देखो ध्यान से, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू q अपॉन 4πε0 2πr r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dy, और cos थीटा की वैल्यू कितनी बोली मैंने, x अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ना, ठीक। अब बताओ यहां पर ये x भी तो कांस्टेंट है ना, यहां पर सिर्फ y वेरिएबल है ना, एलिमेंट्री पोर्शन जो लिया आपने, बाकी कितने दूरी पे निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड वो x कांस्टेंट है यहां पर, तो आप क्या कर सकते हो, इसको भी बाहर ले सकते हो। तो अब देखो ध्यान से, E इज इक्वल टू क्यू इंटू एक्स अपॉन, देखो ध्यान से, 4πε0 2πr, ये देखो r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, तो कितना हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक। और इंटीग्रेशन किसका होगा, डीवाई का ओनली,
है ना। अब बताओ dy का इंटीग्रेशन मतलब जितने भी dy's होंगे पूरे सर्कमफेरेंस में सबको ऐड करना है ना। तो आप बताओ यहां पर dy पूरे सर्कमफेरेंस पे जब ऐड करेंगे तो सारे dy को, सारे एलिमेंट्री पोर्शन को जब तुम ऐड करोगे तो पूरा सर्कमफेरेंस मिल जाएगा ना मुझे। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ dy को हम सर्कमफेरेंस लिख सकते हैं ना, है कि नहीं, क्लियर है। या फिर तुम यह भी कर सकते हो, यहां पर तुम लिमिट ले लो जीरो से लेके टू पाई आर सर्कमफेरेंस, क्योंकि dy की वैल्यू मुझे ऐड करनी है सारे dy को, तो मुझे उसको इंटीग्रेट करना होगा ओवर द सर्कमफेरेंस जीरो से लेके टू पाई आर, है कि नहीं। या फिर मैं सिंपल कह रहा हूं आपसे, आप बताओ इंटीग्रेशन ऑफ dy मतलब जितने भी dy हैं सबको ऐड करोगे तो एक सर्कमफेरेंस मिलेगा ना आपको। तो इंटीग्रेशन ऑफ dy को आप लिख सकते हो सर्कमफेरेंस ऑफ रिंग, ठीक। तो देखो ध्यान से, यहां पर अब मैं कंप्लीट फॉर्म लिखता हूं, यहां पर देखो ध्यान से, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू इंटू एक्स अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू टू पाई आर इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर थ्री बाय टू इंटू टू पाई आर। एक बार देख लो, यही है कहानी, ठीक। इसको लिख दिया मैंने टू पाई आर। नाउ अब देखो ये टू पाई आर क्या हो गए, कैंसिल। तो अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई है क्यू एक्स अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर थ्री बाय टू। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस x ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग, हाँ है ना, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो इतना सब डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, है कि नहीं। मैंने यहां पर डेरिवेशन करा दिया, लेकिन अगर आपको यह फॉर्मूला याद है, ठीक है, तो आप सीधे बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एक्स इज गिवन बाय दिस, है ना। चलो अब हमें क्या करना है, ठीक है, जरा ध्यान देना आप लोग। तुम बताओ मुझे निकालना है कि इस पॉइंट पे जो चार्ज है प्लस क्यू उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा ना ड्यू टू रिंग। तो आप बताओ रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर मिल गया अपन को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी ना अपन को, है ना। तो आप देखो ध्यान से, यहां पर आप बताओ देयरफॉर फोर्स इक्वल टू क्यू इंटू ई होता है कि नहीं, ठीक। अब बताओ यहां पर q एज इट इज है, e की वैल्यू ये पुट करेंगे तो q x अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3 बाय 2, इज इट क्लियर, ठीक। चलो और ये देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड है तो जो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स होगा वो भी इनवर्ट होगा ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स जो लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लगता है, है ना। तो आप बताओ ये रिंग है, ठीक, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है टुवर्ड सेंटर, तो ये ऐसे जाएगा, है ना, एंड ड्यू टू इनर्शिया वो सेंटर को पार कर देगा, फिर जैसी वो इस तरफ आएगा फिर से लगेगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, मतलब फोर्स इस तरफ, तो फिर से वो आएगा ऐसे ऐसे करके वो ऑसिलेशन करने लगेगा, है कि नहीं। अब ये ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं वो अभी अपन प्रूव कर लेते हैं। देखो ध्यान से आओ, तुम बताओ ये जो हमने पुश किया था चार्ज को वो जेंटली पुश किया था, मतलब बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया था ना हमने, ठीक है, मतलब जो एक्स होगा वो बहुत कम होगा ना, ठीक है, एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ रिंग, ठीक। तो देखो ध्यान से, हम यहां पर क्या बोलेंगे, सिंस एक्स इज लेस देन आर, तो इस वाले एक्स को हम इग्नोर कर सकते हैं ना एज कंपेयर टू आर,
तो आप इसको इग्नोर कर दो, तो क्या हो जाएगा ये देखो, f इज इक्वल टू क्यू क्यू एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये देखो ये इग्नोर हो गया, मतलब r स्क्वायर की पावर 3 बाय टू, r स्क्वायर की पावर 3 बाय टू, ये 2 से 2 कैंसिल, तो आप बताओ फोर्स का एक्सप्रेशन क्या आएगा, क्यू क्यू एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यू, है ना। और अब आप ये बताओ यहां पर ये पूरा कांस्टेंट है कि नहीं, तो आप बताओ यहां से आपको समझ में आ रहा है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, देयरफॉर पार्टिकल जो चीज का चार्ज है क्यू वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा ना, ठीक है, तो हम बोलेंगे देयरफॉर पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक। चलो अब मुझे उसका टाइम पीरियड भी निकालना है ना, ठीक है, तो वही काम करेंगे जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। हम क्या करेंगे, इस f में से एक्सेलरेशन निकालेंगे f इक्वल टू ma करके, है ना। चलो काम करते हैं हम लोग, ध्यान देना, देखो ध्यान से, यहां पर f इज इक्वल टू क्या एक्सप्रेशन था, क्यू क्यू, ओके, क्यू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इंटू एक्स था, ठीक है। अब देखो यहां पर f को क्या रखोगे, m इंटू ए इज इक्वल टू क्यू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इंटू एक्स, तो a इज इक्वल टू कितना होगा, क्यू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मास नीचे लेके आ गए, m इंटू आर क्यूब इंटू एक्स, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, है ना। अब बताओ सिंस एक्सेलरेशन होता है ना ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड जो एग्जीक्यूट कर रहा है SHM, अपन ने ये यूज किया था पिछले क्वेश्चन में भी, ठीक है। अब देखो यहां पर देखो ये दोनों सेम एक्सेलरेशन है, तो आप यहां पर ओमेगा स्क्वायर को इससे इक्वेट कर सकते हो ना, देखो है ना, ओमेगा स्क्वायर की जगह पर ये है ना यहां पर, क्लियर। तो यहां पर आप 1 और 2 को जब कंपेयर करोगे, तो देखो ध्यान से, ऑन कंपेयरिंग 1 और 2, ठीक, बताओ देख के ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्यू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम इंटू आर क्यू, ठीक है। तो आप देखो ध्यान से, इसको लिखूंगा मैं 2 पाई बाय टी का स्क्वायर इक्वल टू क्यू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यू। नाउ यहां पर देखो मैं टी स्क्वायर को ऊपर कर रहा हूं, बाकी सबको इधर, तो ये आपका 4 पाई स्क्वायर है, ठीक है, अपॉन टी स्क्वायर है। चलो अगले स्टेप में कर लेंगे, क्यू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यू। आप ध्यान देना, टी स्क्वायर ऊपर करो और इनको क्रॉस इंटू करो, 4 पाई स्क्वायर इंटू 4 पाई 16 पाई क्यू एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यू अपॉन क्यू क्यू इक्वल टू टी स्क्वायर। देखो मैं एक बार में काम कर लेता हूं, ये टी स्क्वायर यहां जाएगा तो स्क्वायर ट्रांसफर होगा तो रूट लग जाएगा ना, तो इस पूरे का पावर क्या कर दोगे आप, 1/2, ठीक है। अब ठीक है 16 का रूट हो जाएगा 4, है ना, वो बात की बात है, ठीक है। चलो तो ये हो गया आपका सिंपल टाइम पीरियड, इज इट क्लियर। तो ये होता है आपका सिंपल, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ यहां पर, है ना, ऐसे निकाला जाता है टाइम पीरियड। मेरी बात को सुनना ध्यान से एक लास्ट में, कि जब भी कहीं प्रूव करने के लिए बोले कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं, तो आपको प्रूव करना होगा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट,
ठीक है, और अगर वहां से टाइम पीरियड निकालना होगा तो फोर्स को लिखो एम इन टू ए, है ना, और ए का एक्सप्रेशन ओमेगा स्क्वायर एक्स भी होता है, तो कंपैरिजन करके वहां से टाइम पीरियड निकाल सकते हो, ठीक है। ये एक प्रॉपर मेथड होता है काम करने का, है ना, ये किसी भी क्वेश्चन में यूज होता है, ठीक है। तो यहां पर अपना खत्म होता है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, है ना। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, magnetbrains.com पे जाना है, वहां पर आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है, आपको अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, फिर जो भी कैटेगरीज देखनी है, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, है ना, या कोई भी कौन से वीडियो देखने हो, तो सिंपल आपको क्लिक करना है। जैसे यहां पर आपको एग्जाम्पलर देखनी है तो यहां पर वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ऐसा आपको चैप्टर के लिस्ट मिल जाएंगे, ठीक है, जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है वहां पर क्लिक करें और आपको ऐसा वीडियो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एंड बस अंत में यही कहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, और अगर आप चैनल में नए हो तो आप सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल पाए। थैंक यू।